अक्षय की राम सेतु फिल्म से आई बड़ी खबर, जाने कब रिलीज होगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु सिनेमा घरों में रिलीज होने के बाद अब इसके ओटीटी रिलीज की खबरें छाई हुई है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा देखने को मिली है और यह फिल्म थिएटर रिलीज के दौरान थैंक गॉड से क्लैश हुई थी। और अब अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु की ओटीटी रिलीज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि 25 अक्टूबर को रिलीज हुई राम सेतु बहुत जल्द ओटीटी साइट पर रिलीज होने जा रही है। खबर है कि अक्षय की यह फिल्म अमेजन प्राइम पर रिलीज होने जा रही है। हालांकि फिल्म की ओटीटी पर रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह इसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होनी है। वैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि यह फिल्म दिसंबर के आखिर में ओटीटी पर रिलीज हो सकती है। आमतौर पर फिल्में सिनेमा हॉल में रिलीज होने के 2 महीने बाद ओटीटी पर रिलीज होती है, लेकिन कहा जा रहा है कि मेकर्स और ओटीटी के बीच इसे लेकर अभी फाइनल डील नहीं हुई है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अच्छा प्रदर्शन ना होने के चलते इसे जल्द ओटीटी पर रिलीज किए जाने की खबर है। बता दें कि राम सेतु अक्षय कुमार की इस साल रिलीज होने वाली 4थी फिल्म है। इसके अलावा 5वीं फिल्म कठपुतली ओटीटी पर रिलीज हुई है। राम सेतु से पहले बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई अक्षय कुमार की बाकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा सकी है और अक्षय की फिल्म राम सेतु भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित रही। खिलाड़ी कुमार की राम सेतु का नया पोस्टर आउट, जाने कब लॉन्च होगा ट्रेलर। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म राम सेतु पिछले काफी समय से चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इस फिल्म के अब तक कई अपडेट सामने आ चुके हैं। अब हाल ही में राम सेतु के मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर जारी कर दिया है और इसी के साथ ट्रेलर रिलीज डेट पर से भी पर्दा हटाया है, जिस वजह से फैंस की खुशी दोगुनी हो गई है। अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पेज से एक पोस्ट साझा कर इस बात की जानकारी दी है। खिलाड़ी कुमार ने कैप्शन में लिखा, आपके द्वारा बनाए जा रहे सभी अद्भुत पोस्टरों से प्रेरित होकर यहाँ कुछ ऐसा है जिस पर मैंने टीम के साथ काम किया है, उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। हैशटैग राम सेतु का ट्रेलर मंगलवार 11 अक्टूबर 2022 को आउट होगा। राम सेतु के पोस्टर में किसी चीज की तलाश करते हुए देखा जा रहा है, वहीं अक्षय कुमार के चेहरे पर हैरानगी वाले एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा भी तस्वीरों में कुछ सोच विचार करती नजर आ रही है। इस पोस्टर में सभी को एक साथ एक बोट में भी देखा जा सकता है, जो तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। राम सेतु फिल्म का लेखन और निर्देशन अभिषेक शर्मा ने किया है, वहीं इस फिल्म का निर्माण अरुणा भाटिया, विक्रम मल्होत्रा ने किया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा भी लीड रोल में नजर आएंगी। ऐसा पहली बार होगा जब अक्षय कुमार के साथ नुसरत भरूचा स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आएंगी। राम सेतु 25 अक्टूबर 2022 को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। हालांकि फिल्म का ट्रेलर 11 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया जाएगा। राम सेतु की ट्रेलर रिलीज डेट से उठा पर्दा, इस दिन आएगा एक्शन एडवेंचर फिल्म का ट्रेलर। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों अपनी पौराणिक फिल्म राम सेतु को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में आर्कियोलॉजिस्ट का कैरेक्टर निभा रहे हैं। टीजर को मिली शानदार सफलता के बाद अब मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। राम सेतु के ट्रेलर रिलीज डेट की जानकारी अक्षय कुमार ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर तस्वीरें साझा करते हुए अपनी फिल्म को लेकर भी बात की है। उन्होंने ट्रेलर रिलीज डेट के बारे में बताते हुए कैप्शन लिखा, आपने राम सेतु के टीजर पर इतना प्यार बरसाया और हम उसके आभारी हैं। जिस प्यार और उत्सुकता के साथ आप राम सेतु के ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं, वो हमें और भी कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। राम सेतु का ट्रेलर 11 अक्टूबर 2022 को रिलीज होने वाला है। राम सेतु की दुनिया में गहरे गोते लगाने के लिए खुद को तैयार रखें। राम सेतु सिनेमा घरों में 25 अक्टूबर को रिलीज होगी। टीजर ने जीता फैंस का दिल। हाल ही में रिलीज हुए टीजर में कुछ लोग राम सेतु को गिराना चाहते हैं, जबकि अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस भागते दौड़ते हुए भगवान राम की निशानी राम सेतु के अस्तित्व की खोज कर रहे हैं, राम सेतु को बचाने का प्रयास करते दिख रहे हैं।
अभिषेक शर्मा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म की कहानी रामायण के दिनों में स्थापित भारतीय संस्कृति की प्राचीन एवं पौराणिक कलाकृतियों की खोज पर आधारित होगी। ये फिल्म देश की जड़ों, आस्था और आध्यात्मिक मान्यताओं के उत्सव को दर्शाएगी। इस पौराणिक फिल्म में अक्षय कुमार पुरातत्व विभाग में काम करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट आर्यन कुलश्रेष्ठ का किरदार निभा रहे हैं। राम सेतु में अक्षय कुमार के अलावा एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा भी नजर आने वाली हैं। ये फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। बड़ी खबर, राम सेतु फिल्म होगी अक्षय कुमार के करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म, क्योंकि पानी की तरह बरसाया गया है फिल्म में पैसा। सूर्यवंशी फिल्म के बाद अगर अक्षय कुमार की जितनी भी फिल्में रिलीज है वो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही है, जिसमें बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज और रक्षाबंधन फिल्में शामिल हैं। ये तीनों फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होने की वजह से अक्षय के फैंस थोड़ा निराश हुए हैं। तो फैंस को बता दें कि अभी अक्षय के पास और भी कई फिल्में हैं। आज हम उन्हीं फिल्मों में से एक राम सेतु के बारे में आई बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। दरअसल खबर है कि अक्षय कुमार के करियर की राम सेतु फिल्म अब तक की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म पर मेकर्स पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। जी हाँ, राम सेतु फिल्म का टोटल बजट 100 करोड़ का हो गया है और ये सबसे ज़्यादा बजट में बनाई गई फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। मेकर्स और खुद अक्षय इस फिल्म को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वैसे बता दें कि फिल्म राम सेतु को लेकर अक्षय लंबे समय से चर्चा में रहे हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा दिखाई देंगी। फिल्म में अक्षय के किरदार के बारे में जाने तो फिल्म में अक्षय कुमार का रोल किसी आर्कियोलॉजिस्ट जैसा लगता है। रिपोर्ट के मुताबिक राम सेतु की कहानी रामायण और महाभारत के दिनों की प्राचीन माइथोलॉजिकल कलाकृतियों की खोज पर केंद्रित है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार ने ऐसा बताया है कि फिल्म में उनका किरदार रामायण और महाभारत या फिर उससे भी पहले के समय की कलाकृतियों को तलाश करने निकलेगा और उसी बीच कुछ रोचक और शॉकिंग जानकारियां रिवील करेगा। जहां तक बात राम सेतु की है तो इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। फिल्म में राम सेतु के निर्माण और इसके सच या झूठ होने को लेकर तमाम तरह की जो बातें अभी तक की जाती रही है उनके बारे में भी काफ़ी कुछ रिवील किए जाने के भी कयास लगाए जा रहे हैं, और यही रोचक बातें दर्शक जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। और अक्षय की करियर की सबसे अलग और दमदार फिल्म होने वाली है। राम सेतु में अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस का होगा एक एडवेंचर भरा रोमांटिक सॉन्ग। अक्षय कुमार स्टारर तीन बड़ी फिल्में रिलीज हुई, लेकिन ये तीनों की तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। लेकिन अभी अक्षय कुमार के पास और भी कई फिल्में मौजूद हैं, जिसमें से एक है राम सेतु। राम सेतु फिल्म आर्कियोलॉजिस्ट पर बेस्ड है और इस फिल्म में अक्षय के साथ नुसरत भरूचा और जैकलिन फर्नांडिस नजर आएंगी। जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है तब से फैंस इस फिल्म के लिए बेताब हैं। फैंस को बता दें कि आज हम आपके लिए फिल्म से जुड़ी हुई बड़ी खबर लेकर आए हैं। तो खबर ये है कि इस फिल्म में एक सॉन्ग होने वाला है जिसमें हमें अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि राम सेतु फिल्म का ये एक एडवेंचर भरा रोमांटिक सॉन्ग होगा। बता दें कि इस धमाकेदार सॉन्ग की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। बात करते हैं फिल्म की, तो एक सोर्स ने फिल्म के प्लॉट के बारे में बताया कि राम सेतु भारतीय संस्कृति की प्राचीन पौराणिक कलाकृतियों की खोज पर केंद्रित है, जो रामायण और महाभारत के दिनों की है या शायद उससे भी पहले। तब तो जाहिर है ये देश की जड़ों और आस्था और आध्यात्मिक मान्यताओं का उत्सव है। अक्षय कुमार फिल्म में कलाकृतियों का पता लगाने वाले एक व्यक्ति का कैरेक्टर को प्ले करेंगे और वह देश की महिमा को दुनिया में बताता है। अक्षय कुमार के लुक से ही साफ हो गया था कि वह ऐसा रोल करने वाले हैं, लेकिन अब इस पर पुख्ता जानकारी मिल गई है। अक्षय कुमार देश के गौरव को फिल्म में दिखाते हुए नजर आएंगे। फिल्म के रिलीज का बता दें तो फिल्म इसी साल दिवाली पर रिलीज होगी और अक्षय कुमार की टक्कर अजय देवगन से होने वाली है, क्योंकि राम सेतु और थैंक गॉड दोनों फिल्में दिवाली पर ही रिलीज होगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन ऑडियंस को थिएटर तक खींच लाता है। वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार के पास गोरखा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सेल्फी
और OMG 2 जैसी फिल्में मौजूद हैं। राम सेतु का अगला पोस्टर और टीजर रिलीज होगा अगले हफ्ते। दोस्तों, वैसे तो हम सबको फिल्में देखना पसंद है, लेकिन आज की जनरेशन में लोगों को एनिमेशन वाली फिल्मों में ज्यादा मजा आता है, या कहे वो वही देखना पसंद करते हैं। ऐसे समय पर आर्कियोलॉजिस्ट की फिल्में बनाना और उसे रिलीज करना थोड़ा रिस्की है, लेकिन फिर भी अक्षय कुमार और बाकी फिल्म मेकर्स ने राम सेतु टाइटल वाली इस फिल्म पर रिस्क लेना सही समझा। आइए बताते हैं फिल्म राम सेतु से आई एक बड़ी खबर। आपको बता दें कि अभी तक राम सेतु फिल्म के बारे में कोई ज्यादा चीजें सामने नहीं आई थी, फिर चाहे वो पोस्टर हो, टीजर हो या कोई क्लिप हो, इसलिए फैंस में इस फिल्म को लेकर जिज्ञासा काफी ज्यादा है। तो उन फैंस के लिए बड़ी खबर है, बता दें कि अब जल्दी अक्षय की इस फिल्म से पोस्टर और टीजर रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, खबर है कि इसी महीने के अगले हफ्ते में फिल्म का पोस्टर और टीजर रिलीज होगा। कुछ और खबर दे दे तो अक्षय कुमार फिल्म में कलाकृतियों का पता लगाने वाले एक व्यक्ति का कैरेक्टर को प्ले करेंगे और वह देश की महिमा को दुनिया भर में बताते हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि राम सेतु फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज की जाएगी, लेकिन बता दूं कि अभी तक इसे लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। अक्षय कुमार पिछले दिनों अपनी फिल्म रक्षाबंधन को लेकर काफी सुर्खियों में रहे, लेकिन यह मूवी बड़े पर्दे पर कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि बच्चन पांडे और सम्राट पृथ्वीराज के फ्लॉप होने के बाद अक्षय की इस फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें थी, पर वो खरी नहीं उतरी। लेकिन अभी भी अक्षय कुमार के पास और भी कई फिल्में मौजूद है, सेल्फी, गोरखा, ओ माय गॉड 2, बड़े मियां छोटे मियां, ये सब फिल्में शामिल है। अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस जल्दी शुरू करेंगे राम सेतु फिल्म के धमाकेदार सॉन्ग की शूटिंग। इस महीने तक पूरी हो सकती है शूटिंग। अक्षय कुमार पिछले दिनों अपनी फिल्म रक्षाबंधन को लेकर काफी सुर्खियों में रहे, लेकिन यह मूवी बड़े पर्दे पर कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि बच्चन पांडे और सम्राट पृथ्वीराज के फ्लॉप होने के बाद अक्षय की इस फिल्म से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, पर वो खरी नहीं उतरी। लेकिन अभी भी अक्षय कुमार के पास और भी कई फिल्में मौजूद हैं, सेल्फी, गोरखा, ओ माय गॉड 2, बड़े मियां छोटे मियां, इन्हीं फिल्मों में से एक राम सेतु भी है और आज हम इसी फिल्म से रिलेटेड खबर लाए हैं। दोस्तों, इस फिल्म में अक्षय कुमार एक आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके साथ नुसरत भरूचा और जैकलिन फर्नांडिस लीड रोल में नजर आएंगी। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि फिल्म से जुड़ी कुछ खबर हम आपके लिए लाए हैं, तो खबर ये है कि इस फिल्म में एक सॉन्ग है जिसमें हमें अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस के बीच ज़बरदस्त डांस देखने को मिलेगा। तो बता दें कि इस धमाकेदार सॉन्ग की शूटिंग को जल्दी शुरू किया जाएगा और कहा जा रहा है कि ये सॉन्ग शूट इस मंथ तक कंप्लीट होगा। अक्षय कुमार और जैकलिन दोनों ही तैयार है इस सॉन्ग के लिए। बात करें फिल्म की, एक सोर्स ने फिल्म के प्लॉट के बारे में बताया कि राम सेतु भारतीय संस्कृति की प्राचीन पौराणिक कलाकृतियों की खोज पर केंद्रित है, जो रामायण और महाभारत के दिनों की है या शायद उससे भी पहले। तब तो जाहिर है यह देश की जड़ों और आस्था पर आध्यात्मिक मान्यताओं का उत्सव है। अक्षय कुमार फिल्म में कलाकृतियों का पता लगाने वाले एक व्यक्ति का कैरेक्टर को प्ले करेंगे और वह देश की महिमा को दुनिया में बताएंगे। अक्षय कुमार के लुक से ही साफ हो गया था कि वह कुछ ऐसा रोल करने वाले हैं, लेकिन अब इस पर पुख्ता जानकारी मिल गई है। अक्षय कुमार देश के गौरव को फिल्म में दिखाते हुए नजर आएंगे। राम सेतु का ट्रेलर रिलीज होगा अक्षय की फिल्म रक्षाबंधन के साथ। फिल्म आ रही है दिवाली पर। अक्षय कुमार पिछले दिनों अपनी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को लेकर सुर्खियों में रहे, लेकिन यह मूवी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि बच्चन पांडे के फ्लॉप होने के बाद इस फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन अभी अक्षय कुमार के पास और भी कई फिल्में मौजूद है, इनमें से एक राम सेतु है। इस फिल्म में उनके साथ नुसरत भरूचा और जैकलिन फर्नांडिस लीड रोल में नजर आएंगी। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में नजर आएंगे। अक्षय कुमार फिल्म में कलाकृतियों का पता लगाने वाले एक व्यक्ति का कैरेक्टर को प्ले करेंगे। वह देश की महिमा को दुनिया में बताते हैं और आज इसी फिल्म से जुड़ी हम एक बार फिर आपके लिए खबर लाए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अक्षय की इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई है और अब फैंस को इस फिल्म के रिलीज का इंतजार है। तो फैंस को बता दें कि आपका इंतजार थोड़ा खत्म होगा, क्योंकि मेकर्स अब इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करने वाले हैं।
अक्षय की इस फिल्म यानी कि राम सेतु का ट्रेलर अक्षय की ही अपकमिंग फिल्म रक्षाबंधन के रिलीज के साथ लोगों के बीच लाया जाएगा। जहां तक बात है फिल्म के रिलीज की, तो राम सेतु फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ जानकारी दे दो तो इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ भूमि पेडनेकर जोड़ी बनाएंगी। इससे पहले भी ये जोड़ी टॉयलेट एक प्रेम कथा में साथ में काम कर चुकी है, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया था। इस फिल्म को जी स्टूडियोज बैनर तले बनाया जा रहा है और फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय हैं और फिल्म की कहानी को हिमांशु शर्मा और कनिका ढिल्लो ने लिखा है। फिल्म 11 अगस्त 2022 को रिलीज होगी। आपको बता दें कि इसी दिन आमिर खान की फिल्म लालसी चड्ढा भी रिलीज होगी और ये फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन से टकराएगी। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन सी फिल्म लोगों को एंटरटेन करने में सफल होती है। अक्षय सर वेट। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर दोज लवली वर्ड्स। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हम सब यहाँ पर जिस काम के लिए आए हैं, जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, आई एम श्योर आप लोग भी भावुक होंगे जल्द से जल्द देखने के लिए। लेकिन सिर्फ ये बोलूँगा कि जब मैं पेंडेमिक में बैठा था 2020 में, एक विचार आया जो बहुत सालों से घूम रहा था, कौंध रहा था, राम सेतु के विषय में। एंड जैसे ही मैंने उसकी कहानी लिखी, अभी पटकथा भी नहीं लिखी थी, मैंने अक्षय सर को फ़ोन किया एंड ही वॉज वेरी नाइस एंड ही इज़ ऑलवेज बी नाइस। ही सेड तू पटकथा भेज दे, स्क्रीन पे लिखा तूने? सो आई सेड नहीं सर, अभी तक तो नहीं लिखा, तो ही सेड तू लिख के भेज दे। आई रोट इट, सेंट इट टू हिम एंड मी, अक्षय सर, विक्रम सर, वी ऑल जैम्ड ऑन इट, वी ऑल लाइक द आइडिया एंड वी डिसाइडेड टू टेक दिस जर्नी टुगेदर एंड आज हम आप सबके सामने हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक अगेन अबंडंशिया, लाइका एंड अमेजोन ऑफकोर्स एंड जी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस फिल्म। ऑल दीज पीपल आर सपोर्टिंग दिस विजन, सो थैंक यू सो मच विक्रम सर। अभिषेक जी, आप कुछ अच्छा दिखाना चाहेंगे? सॉरी आई मिस माई क्यू। तो एक बार, क्यू, सो बेसिकली अभी हम आप लोगों के सामने ट्रेलर पेश करेंगे आज के एसेट से पहले। आई थिंक एक बार लेट्स रिविजिट द ट्रेलर एंड आई होप यू एंजॉय इट बिकॉज इट्स अ बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस। सो हियर इट इज, थैंक यू। नमस्कार, सबसे पहले मैं अपने फैंस का और मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आए। थैंक यू वेरी मच जी, आई लव यू ऑल टू, थैंक यू वेरी मच। देखिए, दिवाली का माहौल है, दिवाली का वक्त है। आप सबको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस वक्त पे आप लोग सब यहाँ आए और हमारे साथ एक जो मैं चीज़ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जो एंथम है इस फिल्म का, उसके लिए आप लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो दिवाली का वक्त होता है वो, उसमें मज़ा एक ये चीज़ का आता है कि जब हमें दिवाली की कोई गिफ्ट मिलती है, हम उसका रिबन खोलते हैं, फिर उसका रैपर खोलते हैं, फिर उसके अंदर से जो चीज़ निकलती है उससे खुश होते हैं या ठीक ठीक होते हैं या जो भी होते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आज मैं आपको एक, बेटे बैठ जाओ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक एंथम दिखाने वाला हूँ। आई होप आपको ये एंथम अच्छा लगे। ये आप समझ लीजिए कि पूरी पिक्चर 2.25 मिनट के अंदर इसको ढाल के इसमें दिखाया गया है। आपके पूरी समझ में आ जाएगा कि ये फिल्म क्या कहना चाहती है, क्या है, कहाँ से क्या बोलना चाहती है, वो सब कुछ आ जाएगा। और मैं हमारे यहाँ 7 जन जो बाहर से आए हैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। कहाँ हैं वो? थैंक यू वेरी मच। आप लोग दिल्ली से आए, कोई लखनऊ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी।
कि आप लोग आए. थैंक यू वेरी मच. उपाला जी, हाउ आर यू मैम? ओके ओके, थैंक यू. सो ये है, आप लोग देखिए, फिर मैं आपसे वापस बात करता हूँ. थैंक यू. लाइट्स ऑफ. हाँ, थैंक यू वेरी मच जी. थैंक यू. अक्षय पाजी ने हमको एक दिवाली की गिफ्ट दी है, जैसे वो बता रहे थे ये दिवाली स्पेशल सॉन्ग. तो ये बिजी हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इनके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है. लेकिन मेरी टीम और मैं ये सरप्राइज अकेले नहीं कर पाएंगे, माफ़ कर देना पाजी. बट इसी गाने का, इसी एंथम का जो आपने अभी सुना है, हमने इसका एक कराओके वर्जन बनाया है. और अगर आप सब मुझे ज्वाइन करोगे इसमें, तो पाजी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये कराओके वर्जन हमारे सबके साथ गाओ. यहीं चलेगा कराओके वर्जन. एंड वी ऑल सिंग, बट यू हैव टू सिंग विद अस. द ओरिजिनल सिंगर इज आल्सो हियर. ना, वेयर इज ही? वेयर इज विक्रम? है इधर. मुझे नहीं. ओके, चलो तो इस पे आएगा. ओके, सो सब मिलके गाते हैं. ओके, देखिए ये गाने में बिल्कुल. हाँ, ये जो गाना है ये आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लाता है. ओके, तो मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए. फिर से धन्यवाद करता हूँ, और आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से, हमारे राम सेतु के पूरे कास्ट एंड क्रू की तरफ से दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं. हैप्पी दिवाली टू यू ऑल ऑफ यू गाइस. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच पाजी. फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोग सब अपना टाइम निकाल के यहाँ हमारे साथ आए. मैं ये याद दिला दूँ जाने से पहले कि हमारे फैंस जो हमारे साथ जुड़े हैं आज, उनके लिए यहाँ कुछ रिफ्रेशमेंट्स का आयोजन है. और हमारे जो मेंबर्स ऑफ मीडिया हैं, जैसा आप जानते हैं, हमने एक दिवाली स्पेशल लंच ऑर्गेनाइज़ किया है. उसके लिए बाहर हमारी टीम है, वो आपको गाइड करेगी. प्लीज़ ज्वाइन अस इस शुभ अवसर पर. कुछ साथ में खाते हैं और एंजॉय करते हैं. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. बहुत बहुत धन्यवाद. Good afternoon, ladies and gentlemen. Hope you liked what you saw. To create a show of this magnitude and scale, I think really requires a lot of time, effort, energy, and passion.
Talking about scale and magnitude, you know, I'll just share some interesting data points with you on what the series has done. Ashram chapter 1 and 2 has actually been watched by 160 million unique viewers. That's an unprecedented number for anybody to watch any kind of show. It's probably the most watched show on the planet, if not the most watched show on the planet. You know, when we launched chapter 2, you know, within 17 hours, we had 50 million views. It's interesting to say that, you know, even out of the 160 million unique viewers that watched the show, 60 million actually came only from Mumbai and Delhi NCR. And the interesting part is that when we launched the trailer a week back, within 6 hours of launch, it was trending at number one across all social media sites organically. That's the power of a good show. And, you know, like I said, that this is the kind of love and affection that the end consumer, the end viewer has given to this particular show. And to make it possible, I'd really like to thank a lot of people who made this possible. Starting with my teammate, you know, Tejpal, who's worked with me across the three seasons. The brilliant, brilliant, brilliant cast and crew of Ashram, you'll meet a lot of them here today. Without their effort, their passion, this is not going to be possible. But above all, I think the credit should go to the captain of the ship, the man with the vision, the man who breathed life into all these characters, whether it be Baba Nirala, Bhopa, you know, Dr. Natasha, Ujagar, Pammi, Sati, all of these characters have found their own love with their audiences and their fans. And the man who made it possible, the man who gave, or, you know, breathed life into these people, I'd really like to, you know, give all credit to him. Let me please invite the man himself, Mr. Prakash Jha. Thank you, Prakash Ji, for joining us. We'd like you to say a few words on the season three. I have absolutely no words. Run out of it. Gautam has said everything, and it was indeed a pleasure working with the team of MX. I was blessed to kind of have landed such lovely set of cast, each one of them, you know, proved themselves, put their life into it, and the crew which, you know, really went through my rigors of working routine, and I am happy that such a story could come out and it could be viewed and it could be liked by such a huge number of people. Wherever I go, or in the past 1 year, wherever I've gone in the world, like whether it was London or airport or market or wherever, the first question was, Teesra kab aa raha hai? So now Teesra is here. You have seen that, tested it, tasted it. And I would like to call all my actors here. Yes. Who, please, Darshan, Rajiv, Tridha, Anupriya, Adhyayan Suman. Aye. And my team, Madhavi. And who else is there? Where is Rajiv? Call everybody, Madhavi. Or koi hai? This is all?
Well, Baba, so aayega. आसमान से आएगा, आने वाला है सचिन. हुकुम सिंह जी आइए. थैंक यू. कैन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी सीटेड एंड वी विल टेक वन क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द कास्ट मेंबर्स. कैन वी डू इट लेटर? सो देन ओके. Okay, come for one group picture. Gautam. Thank you. Darshan, we'll start with Darshan. You're always this close to catching Baba. Will you be able to unmask? जैसे आपने कहा कि वो भगवान बन चुके हैं, so इतना आसान नहीं होता इतने powerful इंसान को catch करना या उन तक पहुंचना. तो उजागर की जंग जारी है, जैसे पहले चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में हमने दिखाया था कि वो कोशिश कर रहा है, वो कोशिश करते रहेंगे अभी इसमें भी, और उसके आगे क्या होगा देखिए डायरेक्टर साहब ने पहले ही बोल दिया है. तो इसके आगे क्या होगा वो आपको शो में देखना पड़ेगा. अध्ययन, टिंका सिंह हैज ऑलवेज बीन अ प्लीन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आश्रम. यस. व्हाई डज टिंका वांट टू बी एसोसिएटेड विद बाबा सो मच? मेरे पास फिर यही होने वाला है. आई डोंट थिंक आई कैन से मच अबाउट यू नो कि टिंका सिंह के साथ अब क्या होने वाला है, बट सबसे पहले आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू ऑफ कोर्स प्रकाश सर एंड थैंक यू टू गौतम सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. एंड आई कीप टेलिंग पीपल दैट मैं ऐसे वक्त पे प्रकाश जी के पास गया काम मांगने के लिए जब मेरे पास काम नहीं था और कोई काम नहीं दे रहा था, और प्रकाश जी ने अपना दरवाज़ा खोला मेरे लिए और आश्रम का दरवाज़ा खोला मेरे लिए. एंड इट वॉज जस्ट एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड द काइंड ऑफ लव दैट आश्रम गॉट and the kind of love Tinka Singh got in the show, and I'm going to always be eternally grateful for that. So that's number one. Number two, you know, Tinka, of course, I'm guessing brings in some sense of relief to the show. Itna kuch ho raha hai show mein, to Tinka ke baare mein zyada to main kuch nahi kahunga, but I'm just going to say it's going to be very exciting. Tinka is not just going to be, you know, singing and fooling around this time. A lot more is going to happen in the plot with Tinka Singh, so I'm just very excited and I'm just very grateful. And Disha Jha, of course, you know, was one of the main reasons why I got the show. So thank you so much. Anupriya, from your experience with a Baba many years ago, what advice would you give women to avoid falling prey to fraud Babas? So that's this is for the question. Women journalists in the room. So I think it's a joint responsibility of the women and the family around them as well. India is a country wherein we kind of get susceptible to magicians, babas, looking for magic to happen through them, or just to for a spiritual journey. But spirituality is a lot to do with within. Then to just make somebody a medium, we do need people that we can look up to. But at the end of the day, they are also human beings. And I think that's what we've tried to show here, that don't give somebody the power to rule your life and let go of your own sensibility, your intelligence in the process. Have faith and have faith on the God above. अक्षय की राम सेतु फिल्म से आई बड़ी खबर, जाने कब रिलीज होगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर. अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु सिनेमा घरों में रिलीज होने के बाद अब इसके ओटीटी रिलीज की खबरें छाई हुई है. इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा देखने को मिली है, और यह फिल्म थिएटर रिलीज के दौरान थैंक गॉड से क्लैश हुई थी. और अब अक्षय कुमार की फिल्म रामसेतु की ओटीटी रिलीज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. जी हां, बताया जा रहा है कि 25 अक्टूबर को रिलीज हुई रामसेतु बहुत जल्द ओटीटी साइट पर रिलीज होने जा रही है. खबर है कि अक्षय की यह फिल्म अमेजन प्राइम पर रिलीज होने जा रही है. हालांकि फिल्म की ओटीटी पर रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह इसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होनी है.
वैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि यह फिल्म दिसंबर के आखिर में ओटीटी पर रिलीज हो सकती है। आमतौर फिल्में सिनेमा हॉल में रिलीज होने के 2 महीने बाद ओटीटी पर रिलीज होती है, लेकिन कहा जा रहा है कि मेकर्स और ओटीटी के बीच इसे लेकर अभी फाइनल डील नहीं हुई है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अच्छा प्रदर्शन ना होने के चलते इसे जल्द ओटीटी पर रिलीज किए जाने की खबर है। बता दें कि राम सेतु अक्षय कुमार की इस साल रिलीज होने वाली 4थी फिल्म है। इसके अलावा 5वीं फिल्म कठपुतली ओटीटी पर रिलीज हुई है। राम सेतु से पहले बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई अक्षय कुमार की बाकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा सकी है और अक्षय की फिल्म राम सेतु भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित रही। खिलाड़ी कुमार की राम सेतु का नया पोस्टर आउट, जाने कब लॉन्च होगा ट्रेलर। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म राम सेतु पिछले काफी समय से चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इस फिल्म के अब तक कई अपडेट सामने आ चुके हैं। अब हाल ही में राम सेतु के मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर जारी कर दिया है और इसी के साथ ट्रेलर रिलीज डेट पर से भी पर्दा हटाया है, जिस वजह से फैंस की खुशी दोगुनी हो गई है। अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पेज से एक पोस्ट साझा कर इस बात की जानकारी दी है। खिलाड़ी कुमार ने कैप्शन में लिखा, आपके द्वारा बनाए जा रहे सभी अद्भुत पोस्टरों से प्रेरित होकर यहाँ कुछ ऐसा है जिस पर मैंने टीम के साथ काम किया है, उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। हैशटैग राम सेतु का ट्रेलर मंगलवार 11 अक्टूबर 2022 को आउट होगा। राम सेतु के पोस्टर में किसी चीज की तलाश करते हुए देखा जा रहा है, वहीं अक्षय कुमार के चेहरे पर हैरानगी वाले एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा भी तस्वीरों में कुछ सोच विचार करती नजर आ रही है। इस पोस्टर में सभी को एक साथ एक बोट में भी देखा जा सकता है, जो तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। राम सेतु फिल्म का लेखन और निर्देशन अभिषेक शर्मा ने किया है, वहीं इस फिल्म का निर्माण अरुणा भाटिया, विक्रम मल्होत्रा ने किया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा भी लीड रोल में नजर आएंगी। ऐसा पहली बार होगा जब अक्षय कुमार के साथ नुसरत भरूचा स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आएंगी। राम सेतु 25 अक्टूबर 2022 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि फिल्म का ट्रेलर 11 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया जाएगा। राम सेतु की ट्रेलर रिलीज डेट से उठा पर्दा, इस दिन आएगा एक्शन एडवेंचर फिल्म का ट्रेलर। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों अपनी पौराणिक फिल्म राम सेतु को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में आर्कियोलॉजिस्ट का कैरेक्टर निभा रहे हैं। टीजर को मिली शानदार सफलता के बाद अब मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। राम सेतु के ट्रेलर रिलीज डेट की जानकारी अक्षय कुमार ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर तस्वीरें साझा करते हुए अपनी फिल्म को लेकर भी बात की है। उन्होंने ट्रेलर रिलीज डेट के बारे में बताते हुए कैप्शन लिखा, आपने राम सेतु के टीजर पर इतना प्यार बरसाया और हम उसके आभारी हैं। जिस प्यार और उत्सुकता के साथ आप राम सेतु के ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं, वो हमें और भी कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। राम सेतु का ट्रेलर 11 अक्टूबर 2022 को रिलीज होने वाला है। राम सेतु की दुनिया में गहरे गोते लगाने के लिए खुद को तैयार रखें। राम सेतु सिनेमाघरों में 25 अक्टूबर को रिलीज होगी। टीजर ने जीता फैंस का दिल। हाल ही में रिलीज हुए टीजर में कुछ लोग राम सेतु को गिराना चाहते हैं, जबकि अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस भागते दौड़ते हुए भगवान राम की निशानी राम सेतु के अस्तित्व की खोज कर रहे हैं, राम सेतु को बचाने का प्रयास करते दिख रहे हैं। अभिषेक शर्मा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म की कहानी रामायण के दिनों में स्थापित भारतीय संस्कृति की प्राचीन एवं पौराणिक कलाकृतियों की खोज पर आधारित होगी। ये फिल्म देश की जड़ों, आस्था और आध्यात्मिक मान्यताओं के उत्सव को दर्शाएगी। इस पौराणिक फिल्म में अक्षय कुमार पुरातत्व विभाग में काम करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट आर्यन कुलश्रेष्ठ का किरदार निभा रहे हैं। राम सेतु में अक्षय कुमार के अलावा एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा भी नजर आने वाली हैं। ये फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। बड़ी खबर, राम सेतु फिल्म होगी अक्षय कुमार के करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म, क्योंकि पानी की तरह बरसाया गया है फिल्म में पैसा।
सूर्यवंशी फिल्म के बाद अगर अक्षय कुमार की जितनी भी फिल्में रिलीज है वह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही है, जिसमें बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज और रक्षाबंधन फिल्में शामिल हैं। ये तीनों फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होने की वजह से अक्षय के फैंस थोड़ा निराश हुए हैं। तो फैंस को बता दें कि अभी अक्षय के पास और भी कई फिल्में हैं। आज हम उन्हीं फिल्मों में से एक राम सेतु के बारे में आई बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। दरअसल खबर है कि अक्षय कुमार के करियर की राम सेतु फिल्म अब तक की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म पर मेकर्स पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। जी हाँ, राम सेतु फिल्म का टोटल बजट 100 करोड़ का हो गया है और ये सबसे ज़्यादा बजट में बनाई गई फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। मेकर्स और खुद अक्षय इस फिल्म को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वैसे बता दें कि फिल्म राम सेतु को लेकर अक्षय लंबे समय से चर्चा में रहे हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा दिखाई देंगी। फिल्म में अक्षय के किरदार के बारे में जाने तो फिल्म में अक्षय कुमार का रोल किसी आर्कियोलॉजिस्ट जैसा लगता है। रिपोर्ट के मुताबिक राम सेतु की कहानी रामायण और महाभारत के दिनों की प्राचीन माइथोलॉजिकल कलाकृतियों की खोज पर केंद्रित है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार ने ऐसा बताया है कि फिल्म में उनका किरदार रामायण और महाभारत या फिर उससे भी पहले के समय की कलाकृतियों को तलाश करने निकलेगा और उसी बीच कुछ रोचक और शॉकिंग जानकारियां रिवील करेगा। जहां तक बात राम सेतु की है तो इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। फिल्म में राम सेतु के निर्माण और इसके सच या झूठ होने को लेकर तमाम तरह की जो बातें अभी तक की जाती रही है उनके बारे में भी काफ़ी कुछ रिवील किए जाने के भी कयास लगाए जा रहे हैं और यही रोचक बातें दर्शक जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं और अक्षय की करियर की सबसे अलग और दमदार फिल्म होने वाली है। राम सेतु में अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस का होगा एक एडवेंचर भरा रोमांटिक सॉन्ग। अक्षय कुमार स्टारर तीन बड़ी फिल्में रिलीज हुई लेकिन ये तीनों की तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। लेकिन अभी अक्षय कुमार के पास और भी कई फिल्में मौजूद हैं, जिसमें से एक है राम सेतु। राम सेतु फिल्म आर्कियोलॉजिस्ट पर बेस्ड है और इस फिल्म में अक्षय के साथ नुसरत भरूचा और जैकलिन फर्नांडिस नजर आएंगी। जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है तब से फैंस इस फिल्म के लिए बेताब हैं। फैंस को बता दें कि आज हम आपके लिए फिल्म से जुड़ी हुई बड़ी खबर लेकर आए हैं। तो खबर ये है कि इस फिल्म में एक सॉन्ग होने वाला है जिसमें हमें अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि राम सेतु फिल्म का ये एक एडवेंचर भरा रोमांटिक सॉन्ग होगा। बता दें कि इस धमाकेदार सॉन्ग की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। बात करते हैं फिल्म की तो एक सोर्स ने फिल्म के प्लॉट के बारे में बताया कि राम सेतु भारतीय संस्कृति की प्राचीन पौराणिक कलाकृतियों की खोज पर केंद्रित है जो रामायण और महाभारत के दिनों की है या शायद उससे भी पहले। तब तो जाहिर है ये देश की जड़ों और आस्था और आध्यात्मिक मान्यताओं का उत्सव है। अक्षय कुमार फिल्म में कलाकृतियों का पता लगाने वाले एक व्यक्ति का कैरेक्टर को प्ले करेंगे और वह देश की महिमा को दुनिया में बताता है। अक्षय कुमार के लुक से ही साफ हो गया था कि वह ऐसा रोल करने वाले हैं, लेकिन अब इस पर पुख्ता जानकारी मिल गई है। अक्षय कुमार देश के गौरव को फिल्म में दिखाते हुए नजर आएंगे। फिल्म के रिलीज का बता दें तो फिल्म इसी साल दिवाली पर रिलीज होगी और अक्षय कुमार की टक्कर अजय देवगन से होने वाली है, क्योंकि राम सेतु और थैंक गॉड दोनों फिल्में दिवाली पर ही रिलीज होगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन ऑडियंस को थिएटर तक खींच लाता है। वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार के पास गोरखा, बड़े मियां छोटे मियां, सेल्फी और OMG 2 जैसी फिल्में मौजूद हैं। राम सेतु का अगला पोस्टर और टीजर रिलीज होगा अगले हफ्ते। दोस्तों वैसे तो हम सबको फिल्में देखना पसंद है, लेकिन आज की जनरेशन में लोगों को एनिमेशन वाली फिल्मों में ज़्यादा मज़ा आता है या कहे वो वही देखना पसंद करते हैं। ऐसे समय पर आर्कियोलॉजिस्ट की फिल्में बनाना और उसे रिलीज करना थोड़ा रिस्की है, लेकिन फिर भी अक्षय कुमार और बाकी फिल्म मेकर्स ने राम सेतु टाइटल वाली इस फिल्म पर रिस्क लेना सही समझा। आइए बताते हैं फिल्म राम सेतु से आई एक बड़ी खबर। आपको बता दें कि अभी तक राम सेतु फिल्म के बारे में कोई ज़्यादा चीज़ें सामने नहीं आई थी, फिर चाहे वो पोस्टर हो, टीजर हो या कोई क्लिप हो, इसलिए फैंस में इस फिल्म को लेकर जिज्ञासा काफ़ी ज़्यादा है। तो उन फैंस के लिए बड़ी खबर है,
बता दें कि अब जल्दी अक्षय की इस फिल्म से पोस्टर और टीजर रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, खबर है कि इसी महीने के अगले हफ्ते में फिल्म का पोस्टर और टीजर रिलीज होगा। कुछ और खबर दे दे तो अक्षय कुमार फिल्म में कलाकृतियों का पता लगाने वाले एक व्यक्ति का कैरेक्टर को प्ले करेंगे और वह देश की महिमा को दुनिया भर में बताते हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि राम सेतु फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज की जाएगी, लेकिन बता दूं कि अभी तक इसे लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। अक्षय कुमार पिछले दिनों अपनी फिल्म रक्षाबंधन को लेकर काफी सुर्खियों में रहे, लेकिन यह मूवी बड़े पर्दे पर कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि बच्चन पांडे और सम्राट पृथ्वीराज के फ्लॉप होने के बाद अक्षय की इस फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें थी, पर वो खरी नहीं उतरी। लेकिन अभी भी अक्षय कुमार के पास और भी कई फिल्में मौजूद है, सेल्फी, गोरखा, ओ माई गॉड 2, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ये सब फिल्में शामिल है। अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस जल्दी शुरू करेंगे राम सेतु फिल्म के धमाकेदार सॉन्ग की शूटिंग। इस महीने तक पूरी हो सकती है शूटिंग। अक्षय कुमार पिछले दिनों अपनी फिल्म रक्षाबंधन को लेकर काफी सुर्खियों में रहे, लेकिन यह मूवी बड़े पर्दे पर कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि बच्चन पांडे और सम्राट पृथ्वीराज के फ्लॉप होने के बाद अक्षय की इस फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें थी, पर वो खरी नहीं उतरी। लेकिन अभी भी अक्षय कुमार के पास और भी कई फिल्में मौजूद हैं, सेल्फी, गोरखा, ओ माई गॉड 2, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, इन्हीं फिल्मों में से एक राम सेतु भी है और आज हम इसी फिल्म से रिलेटेड खबर लाए हैं। दोस्तों, इस फिल्म में अक्षय कुमार एक आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके साथ नुसरत भरूचा और जैकलिन फर्नांडिस लीड रोल में नजर आएंगी। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि फिल्म से जुड़ी कुछ खबर हम आपके लिए लाए हैं, तो खबर ये है कि इस फिल्म में एक सॉन्ग है जिसमें हमें अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस के बीच ज़बरदस्त डांस देखने को मिलेगा। तो बता दें कि इस धमाकेदार सॉन्ग की शूटिंग को जल्दी शुरू किया जाएगा और कहा जा रहा है कि ये सॉन्ग शूट इस मंथ तक कंप्लीट होगा। अक्षय कुमार और जैकलिन दोनों ही तैयार है इस सॉन्ग के लिए। बात करें फिल्म की, एक सोर्स ने फिल्म के प्लॉट के बारे में बताया कि राम सेतु भारतीय संस्कृति की प्राचीन पौराणिक कलाकृतियों की खोज पर केंद्रित है, जो रामायण और महाभारत के दिनों की है या शायद उससे भी पहले। तब तो जाहिर है यह देश की जड़ों और आस्था पर आध्यात्मिक मान्यताओं का उत्सव है। अक्षय कुमार फिल्म में कलाकृतियों का पता लगाने वाले एक व्यक्ति का कैरेक्टर को प्ले करेंगे और वह देश की महिमा को दुनिया में बताएंगे। अक्षय कुमार के लुक से ही साफ हो गया था कि वह कुछ ऐसा रोल करने वाले हैं, लेकिन अब इस पर पुख्ता जानकारी मिल गई है। अक्षय कुमार देश के गौरव को फिल्म में दिखाते हुए नजर आएंगे। राम सेतु का ट्रेलर रिलीज होगा अक्षय की फिल्म रक्षाबंधन के साथ। फिल्म आ रही है दिवाली पर। अक्षय कुमार पिछले दिनों अपनी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को लेकर सुर्खियों में रहे, लेकिन यह मूवी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि बच्चन पांडे के फ्लॉप होने के बाद इस फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन अभी अक्षय कुमार के पास और भी कई फिल्में मौजूद है, इनमें से एक राम सेतु है। इस फिल्म में उनके साथ नुसरत भरूचा और जैकलिन फर्नांडिस लीड रोल में नजर आएंगी। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में नजर आएंगे। अक्षय कुमार फिल्म में कलाकृतियों का पता लगाने वाले एक व्यक्ति का कैरेक्टर को प्ले करेंगे। वह देश की महिमा को दुनिया में बताते हैं और आज इसी फिल्म से जुड़ी हम एक बार फिर आपके लिए खबर लाए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अक्षय की इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई है और अब फैंस को इस फिल्म के रिलीज का इंतजार है। तो फैंस को बता दें कि आपका इंतजार थोड़ा खत्म होगा, क्योंकि मेकर्स अब इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करने वाले हैं। अक्षय की इस फिल्म यानी कि राम सेतु का ट्रेलर अक्षय की ही अपकमिंग फिल्म रक्षाबंधन के रिलीज के साथ लोगों के बीच लाया जाएगा। जहां तक बात है फिल्म के रिलीज की, तो राम सेतु फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ जानकारी दे दो तो इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ भूमि पेडनेकर जोड़ी बनाएंगी। इससे पहले भी ये जोड़ी टॉयलेट एक प्रेम कथा में साथ में काम कर चुकी है, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया था। इस फिल्म को जी स्टूडियोज बैनर तले बनाया जा रहा है और फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय हैं और फिल्म की कहानी को हिमांशु शर्मा और कनिका ढिल्लो ने लिखा है। फिल्म 11 अगस्त 2022 को रिलीज होगी। आपको बता दें कि इसी दिन आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी रिलीज होगी और ये फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन से टकराएगी।
अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन सी फिल्म लोगों को एंटरटेन करने में सफल होती है। एंड व्हेन यू मेकिंग समबडी द मीडियम जस्ट गिव देम दैट मच इम्पोर्टेंस व्हाइल योर इंडिविजुअलिटी आल्सो इज देयर इनफ टू मेक द राइट डिसीजंस एंड नॉट गेट कैरीड अवे। So yeah, I think Ashram That Way is a very, very important series. We've highlighted something that hasn't been spoken about in the past that much. And that's why I believe everybody related to it so much. Because all of us have faced similar situations somewhere. And that's quite, difficult to digest. But you all have, I believe. Yes, thank you. Tridha, the power structure in the ashram seems to be changing and skewing towards you. Tell us a little bit about it. First of all, Japnam, and thank you so much, MX, Prakash sir, the entire team, a wonderful cast, and thank you, audience, for being here. It feels great that we finally get to have a press meet, because post-pandemic, this must be a wonderful thing. The love our show has received, and we all are so elated to be here. Now, moving on to the character Babita that sir has given. Kya bolu? It's very important that we've just seen her like a person who just comes into like a very like she probably uses her prowess and everything to do, but we'll see a lot more this season. And I guess women are given responsibilities, and I'm sure in this season you'll find that they can take over. Yeah, interesting. Rajiv, you're the journalist who helps Pami. We have a house full of media here. How tough was it to play this role? Firstly, thank you all for being here, and thank you for the response to our show. Under the captaincy of Prakash sir, the role of a journalist was easy to play because, the inputs he gave me for my character really helped me in playing my character truthfully and honestly. And, I mean, he is a journalist, and he's that sort of a human being who is practical and selfless, and he basically, without caring for his own life and limb, he goes out and helps people. When he sees somebody being exploited, he probably is one of the few people in the beginning of the series that sees the exploitation of Baba and sees Baba for who he is. So, the script was very well written. And like I said, under Prakash sir's guidance, it was easy to play the character. And it was very fulfilling to play such a part because hardly in life are we called upon to speak for somebody not for ourselves. We, selflessly doing something for something else, I've always wanted to do, and fortunately, through the character, I got to do that. So, thanks. Thank you. Sachin, this time looks like Baba and Bhopa both are giving you a tough time. How are you managing to keep it together? Sabse pehle to I would like to thank Prakash ji and Gautam ji and all of you. Post-COVID, as Tridha said, that it's like a good thing that we all have had a get-together. Yes, both of them are giving me quite a tough time. And Prakash ji has, in fact, given a lot of layers to my character, which would help me face them pretty well. Now let's open the floor to actual questions from the media. If you'll raise your hand, we will pass the mic on to you. Ji. Yeah. Hello. प्रकाश जी नमस्ते, जपनाम, रेखा खान नव भारत टाइम से, दर्शन जी, अध्ययन, पूरी टीम को, सबको मैं बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहूँगी. थैंक यू, थैंक यू. बहुत सारी शुभकामनाएं. बहुत मैं आपके जो आश्रम है उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और बहुत ही बेसब्री से मैं सीज़न 3 का इंतज़ार कर रही थी. तो प्रकाश जी, मेरे 2-3 सवाल हैं कि आप लगातार ये कहते जा रहे रहते आए हैं कि ये जो आपकी सीरीज है ये राम रहीम या आशाराम बापू से बिल्कुल भी प्रेरित नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे इसके जो इवेंट्स हैं उनमें काफ़ी समानता नज़र आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये जो धर्म और आस्था की आड़ में, क्योंकि हमारे यहाँ जो गुरुकुल है, धर्म है, अध्यात्म है, संस्कृति है, और जो गुरु हैं इनकी बहुत गहरी और पुरानी परंपरा है, और चूंकि वहाँ तक पहुँचना कठिन होता है, इसलिए आम आदमी आसान तरीका
ढूंढना चाहता है अपनी इनसिक्योरिटी से निकलने के लिए, और उस खोज को, उस विश्वास को बरगलाने के लिए, गलत इस्तेमाल करने के लिए, ऐसे हमारे बीच में से कई लोग खड़े हो जाते हैं और गुरु बन जाते हैं, जिनको खुद का ज्ञान नहीं है, वो दूसरों को ज्ञान देने शुरू हो जाते हैं। तो लगभग इन सबों के चरित्र ऐसे ही हैं, चाहे वो आपने जिनका नाम लिया वो, या और भी कोई बहुत सारे हैं, उनके चरित्र ऐसे ही होते हैं। वो इस तरह का व्यवहार, इस तरह का व्यभिचार, इस तरह की विकृति उनके व्यवहार में जो है वो होती ही है। तो आपको कहीं ना कहीं वो शेड्स तो मिल ही जाएंगे। तो हमने हमेशा ये मेंटेन किया कि हमने किसी एक को ख्याल रख के उसकी जीवनी या उसके कर्मों पे नहीं बनाया। इसमें सबके थोड़े थोड़े जो पब्लिक डोमेन में सारी बातें हैं उनको समझते हुए, रियलिटी को नज़र में रखते हुए फिक्शन क्रिएट किया है कि इसके ताने बाने किस तरह से काम करते हैं, इंटरनल और दोनों एक्सटर्नल। और मुझे खुशी है इस बात की आपको कहने में कि जो प्लेटफॉर्म है MX Player, उसने हमें आज़ादी दी इस कहानी को इंटरप्रेट करने के लिए, उसने साथ दिया। जो क्रिएटिव टीम है, जो कंटेंट हेड है, गौतम है या तेजपाल हैं या वहाँ के जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, तो इस वजह से ये इस तरह से बन पाई है। वो जब भी आप पब्लिक डोमेन की किसी भी सब्जेक्ट को, सोशल हो, रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, जब भी आप टच करेंगे, जो मेरी आदत सी रही है कि मैं ऐसी चीज़ें टच करता हूँ तो लोगों के विचार होंगे ही होंगे, लोग कुछ नकारात्मक विचार भी होंगे, लेकिन मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि हर एक नकारात्मक सोच के सामने हजारों सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं, उसको अलग नज़रिए से, सही नज़रिए से देखने वाले लोग भी होते हैं, तो उनकी ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। बाकी तो जो है सामने आएगा उसको देख लेंगे। तो प्रकाश जी, जब हम एक रिलीजन की बात करते हैं या राजनीति की या किसी तरह की कट्टरता की, तो उसके अनुयायी भी होते हैं, उसके विरोधी भी होते हैं। जैसे FIR भी दर्ज हुई थी शुरू में, आप पर इंक भी फेंका गया, आप जैसे अब ये तीसरा सीजन है, तो कहीं किसी तरह का एक भय है कि और इस तरह की चीज़ें जो कि पब्लिक डोमेन में भले हों लेकिन सिमिलैरिटीज से किसी न किसी बाबा के या उस तरह से सामने आएंगी, तो और कोई विवाद या किसी तरह की विरोध का आपको सामना करना पड़ सकता है, ऐसी कोई आशंका है आपके जहन में? आशंका जरूर है, कहीं कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है, क्योंकि हमने विषय ऐसा चुना है जो कहिए कि समाज का विषय है, लोगों से संबंध रखता है, किसी एक व्यक्ति या एक कल्पना की कहानी नहीं है। और मैं ये कहूं कि मुझे डर नहीं लगता है तो वो भी बात गलत है, डर भी लगता है, लेकिन डर के जीना अच्छा नहीं लगता, तो उसके साथ जीता हूं। और हमेशा से मन करता है कि जो कहना है वो तो कहना ही है, किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से चोट पहुंचाए बगैर अगर कोई बात मैं कह सकूं तो मैं कोशिश करता हूं कि उसको कहूं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो व्यवसायिक हो। बाकी पत्थर फेंके जाते हैं, गालियां पड़ती हैं, FIR होते हैं, चलो कोई नहीं, लोगों के हाथ मजबूत होंगे। पता नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं मिला है। प्रकाश जी, ऑन योर लेफ्ट योर सुहेल फ्रॉम एंशिएंट बॉलीवुड,
आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई हो सीजन आप लोगों ने पहला एपिसोड देखा ना अच्छा लगा यस 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 बहुत अच्छा कुछ प्रॉमिस दिख रहा है यस वेरी प्रॉमिसिंग थैंक यू सर मैं पूछना चाह रहा था कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक वक्त था जहां पर अंडरवर्ल्ड रूल करता था एक टाइम था आज आप इस दौर में किसको निराला बाबा समझते हैं हमारे बॉलीवुड के कौन है जो जिसका दबदबा चलता है नहीं मैं मेरे सब साथी तो मुझे ही समझते हैं मुझसे बड़ा निराला तो कोई है ही नहीं एक ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करते तो यू फील के मैं भी इंडस्ट्री में ही हूँ आई नो आई अंडरस्टैंड मैं किसी और का नाम क्यों लूँ यार मैं ही हूँ हेलो अच्छा और मेरा सवाल अध्ययन से है आपने कहा था कि कुछ काम नहीं था जी एंड आपने प्रकाश जी को अप्रोच किया था जी तो कभी ऐसे वक्त में किसी बाबा या फिर कोई यू नो तावीज या टोटका वोटका ऐसी चीज़ों में आप कहीं चले गए थे कभी आई थिंक आप किसी भी फील्ड से हों आई थिंक ह्यूमन बींग्स इन इट सेल्फ आर वेरी इनसिक्योर और मैं झूठ नहीं बोलूँगा अगर आज मैं कोई रिंग्स भी पहन रहा हूँ तो आई eventually realized it in the power of energies and nothing else and of course main insecure tha aur baby pandit ji aur baba ji aur meri kundli dekh lijiye mera kya hoga kuch nahi ho raha but eventually I realized ki jo aapki kismet mein likha hai wo aapse koi chheen nahi sakta aapki mehnat hi sab kuch hai jo mere father ne mujhe hamesha sikhaya so he said ki theek hai ye sari cheeze you aap jate hain consult karte hain ek do bar but eventually it's something that you just never give up और मेरे साथ भी आई थिंक यही हुआ कि जब भी मैं बाबाओं के पास गया और मैंने पूछा सब कहते थे यार इस डेट पे ये होने वाला होता था कुछ नहीं था लाइफ में तो जब मैंने पूछना छोड़ दिया लाइफ में और ज़्यादा मेहनत करनी शुरू की उसके बाद चीज़ें बदलनी शुरू हुई मैंने तो तुम्हें कहा था तुम हुआ भी हेलो सो या गुड आफ्टरनून यार प्रकाश जी मुझे आपसे पूछना है कि हमने मतलब बाबा तो काफ़ी देखे हैं लेकिन रियल बाबा और फ्रॉड बाबा हम कैसे डिफाइन कैसे समझे उनको ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आप पहचान सकेंगे कि नहीं आपकी अपनी समझदारी में कि रियल कौन बाबा है और फेक कौन बाबा है आप पहचान पाएंगे कि नहीं क्योंकि कोई परिमाण नहीं होता कोई परिभाषा भी नहीं होती लेकिन हम जानते हैं एक छोटा बच्चा होता है ना दोस्त आप उसको कैसे छूते हैं उसको एक क्षण में पता चल जाता है कि इसमें प्यार है कि तिरस्कार है कि वेदना है कि धक्का है एक क्षण में बच्चे को पता चल जाता है कि आपने किस तरह से छुआ है उसको हम सब जानते हैं ये सब हमारे अंदर की कमजोरी है अपनी कमजोरी है कि हम उसमें अपना विश्वास टिका देते हैं एक गलत पॉलिटिशियन में गलत बाबा में गलत गुरु में ये हमारी अपनी कमजोरी है हम मेहनत करना नहीं चाहते जब हम मेहनत करना शुरू करेंगे और जब हम अच्छे से सोचना शुरू करेंगे और जब हम सही पहचान करने की कोशिश करेंगे दुनिया बदल जाएगी राजीव जी आपसे एक सवाल है मेरा आपने एक्टिंग करके बड़ा इम्प्रेस किया हमें जब आपने तावीज़ उतारी तो हमको लगा कि आपका रोल कितना लंबा रहेगा आगे कितना चलने वाला है रोल कितना लंबा चलने वाला हाँ जी हाँ जी तो वो तो आपको देखकर ही पता चलेगा दर्शन जी मेरा सवाल आपसे जी प्रकाश जी आप एक्टिंग कभी करेंगे अभी ये सवाल दर्शन जी से आपसे प्रकाश जी से राजीव ने पूरा जवाब नहीं दिया है मेरे को आपसे मेरा जो सवाल है कि आपकी एक्टिंग भी देखना चाहेंगे हम लोग मेरा प्रोफाइल इन्होंने लिया है अभी राइट सर आपके दो शब्द नहीं करेक्ट वेरी सून दर्शन जी मेरा सवाल आपसे थैंक यू हम सब हर रोज इन लोगों से सीखता रहता हूं कुछ ना कुछ दर्शन जी मेरा सवाल आपसे आफ्टर द सक्सेस ऑफ कश्मीर फाइल्स दिस आश्रम 3 इज आल्सो लुकिंग रियली गुड स्पेशली ट्रेलर में आपका काफ़ी अच्छा किरदार दी तीन एपिसोड्स हो चुके तीन सीजन हो चुके किस तरह की एक्सपेक्टेशन आपके एंड से आपके फैंस एज अ फैन पॉइंट ऑफ व्यू
एक्सपेक्टेशन काफी हाई है. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? एक्चुअली थैंक्स टू प्रकाश जी और गौतम जी, क्योंकि प्रकाश जी ने जब हमारा पहला ट्रेलर आया था फर्स्ट सीजन का, तो बहुत प्यार मिला था. और उसके बाद हमारे आश्रम ने, थैंक्स टू एमएक्स प्लेयर और गौतम जी, जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पे. और जहाँ भी मैं जाता हूँ, जैसे आपने कहा कि सारे फैंस, किसी चीज़ की भी प्रमोशंस चल रही हो, सबसे पहले पूछते हैं कि आश्रम 3 कब आ रहा है. कोई पोस्ट डालो सोशल मीडिया पर, सबसे पहले पूछा जाता है कि आश्रम 3 कब आ रहा है. सो इस तरह का प्यार मिला है. तो इस सीज़न में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी शोल्डर्स पर कि और मेहनत करनी है, क्योंकि इतना प्यार मिला है लोगों से, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है. सो हमने कोशिश की है, जैसे कि अभी आपने फर्स्ट एपिसोड देखा और आपको पसंद आया, और जिस तरह का ट्रेलर, हमारे ट्रेलर को प्यार मिल रहा है, कुछ ही दिनों में मिलियंस, कितने मिलियंस को क्रॉस कर चुका है, और हर इंसान वेट कर रहा है 3 जून का. सो उसके लिए हमने जी जान से मेहनत की, और फिंगर्स क्रॉस, हमें उम्मीद है कि इस बार भी लोगों को उतना ही, उससे बल्कि 3 गुना ड्रामा देखने को मिलेगा, सस्पेंस मिलेगा, थ्रिलर मिलेगा, और वो एंजॉय करेंगे शो को. अध्ययन जी, मेरा सवाल आपसे भी है. अध्ययन जी, हाँ जी, हाँ, जिस तरह आप स्टार्टिंग में आपने बोला कि मैंने जी. प्रकाश जी के साथ जाके बात की और मैंने रोल के बारे में कहा जी, डू यू थिंक द वर्ड नेपोटिज्म ऑलवेज वर्क्स फॉर मेनी वन बट इट हैज नॉट वर्क इन योर फेवर? थैंक यू फॉर सेइंग दैट. इट्स बीन 10 इयर्स, इट्स नॉट वर्क्ड फॉर मी. तो नहीं यार, आई थिंक अगर आज आप देखें तो आलिया भट्ट जब करती है गंगूबाई, तो उसको उतना ही प्यार मिलता है जितना कार्तिक आर्यन को मिलता है भूल भुलैया के लिए. तो आई थिंक ये बहुत ही एक फ्यूटाइल कॉन्वर्सेशन था जब नेपोटिज्म के बारे में बातें करना लोगों ने शुरू की थी. एंड आई फील कि एट द एंड ऑफ द डे वो क्या एक्स फैक्टर है जो ऑडियंस एक्सेप्ट करती है एक एक्टर के बारे में. और ऑडियंस एक्सेप्टेंस से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, चाहे कितना भी पैसा लगा लें, कितने भी पोस्टर खरीद लें, फ्रंट पेजेस खरीद लें, उससे कुछ नहीं होता. इवेंचुअली इट्स द ऑडियंस. और नेपोटिज्म से कुछ नहीं होता यार. मतलब मैं कितनी भी फिल्में बना लूँ लाइफ में, अगर मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है तो ऑडियंस मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी. तो जब मैं आश्रम में आया, और 10 साल की मेरी भी एक मेहनत रही है लाइफ में, स्ट्रगल रही है लाइफ में, जो शायद अभी बात नहीं करूँगा मैं इसके बारे में, बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने काम किया. और एकदम जिस चीज़ से मैंने, बिकॉज मैं इतना हार चुका था लाइफ में, मैंने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया था. और जैसे ही मैंने एक्सपेक्ट करना छोड़ा और जब आश्रम आई, तो अगले दिन से क्या हुआ इंडस्ट्री में और क्या हुआ, आई कांट टेल यू ऑनेस्टली. इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल. सो ये नेपोटिज्म से बॉस कुछ नहीं होता यार. प्रकाश जी, माई क्वेश्चन इज फॉर यू. मेरा एक सवाल है अनुप्रिया से, मेरा सवाल है, और त्रिधा से भी है मेरा सवाल. इसीलिए आप लोग लड़कियों से तो बात ही नहीं कर रहे. मैं डर रहे हैं, वही चल रहा है सब. आप लोग डर रहे हैं इनसे बात करने में? नहीं नहीं सर. अच्छा ठीक है, आपके पास है इनके लिए सवाल? तो पहले आप पूछ लो. मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि आप लोग सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे, सवाल बना क्यों नहीं रहे. अक्षय की राम सेतु फिल्म से आई बड़ी खबर, जाने कब रिलीज होगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर. अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु सिनेमा घरों में रिलीज होने के बाद अब इसके ओटीटी रिलीज की खबरें छाई हुई है. इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा देखने को मिली है. और यह फिल्म थिएटर रिलीज के दौरान थैंक गॉड से क्लैश हुई थी. और अब अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु की ओटीटी रिलीज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. जी हाँ, बताया जा रहा है कि 25 अक्टूबर को रिलीज हुई राम सेतु बहुत जल्द ओटीटी साइट पर रिलीज होने जा रही है. खबर है कि अक्षय की यह फिल्म अमेजन प्राइम पर रिलीज होने जा रही है. हालांकि फिल्म की ओटीटी पर रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह इसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होनी है. वैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि यह फिल्म दिसंबर के आखिर में ओटीटी पर रिलीज हो सकती है. आमतौर पर फिल्में सिनेमा हॉल में रिलीज होने के 2 महीने बाद ओटीटी पर रिलीज होती है, लेकिन कहा जा रहा है कि मेकर्स और ओटीटी के बीच इसे लेकर अभी फाइनल डील नहीं हुई है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अच्छा प्रदर्शन ना होने के चलते इसे जल्द ओटीटी पर रिलीज किए जाने की खबर है. बता दें कि राम सेतु अक्षय कुमार की इस साल रिलीज होने वाली 4थी फिल्म है. इसके अलावा 5वीं फिल्म कठपुतली ओटीटी पर रिलीज हुई है. राम सेतु से पहले बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई अक्षय कुमार की बाकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा सकी है. और अक्षय की फिल्म राम सेतु भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित रही. खिलाड़ी कुमार की राम सेतु का नया पोस्टर आउट, जाने कब लॉन्च होगा ट्रेलर.
अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म रामसेतु पिछले काफी समय से चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इस फिल्म के अब तक कई अपडेट सामने आ चुके हैं। अब हाल ही में रामसेतु के मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर जारी कर दिया है और इसी के साथ ट्रेलर रिलीज डेट पर से भी पर्दा हटाया है, जिस वजह से फैंस की खुशी दोगुनी हो गई है। अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पेज से एक पोस्ट साझा कर इस बात की जानकारी दी है। खिलाड़ी कुमार ने कैप्शन में लिखा, आपके द्वारा बनाए जा रहे सभी अद्भुत पोस्टरों से प्रेरित होकर यहाँ कुछ ऐसा है जिस पर मैंने टीम के साथ काम किया है, उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। हैशटैग रामसेतु का ट्रेलर मंगलवार 11 अक्टूबर 2022 को आउट होगा। रामसेतु के पोस्टर में किसी चीज की तलाश करते हुए देखा जा रहा है, वहीं अक्षय कुमार के चेहरे पर हैरानगी वाले एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा भी तस्वीरों में कुछ सोच विचार करती नजर आ रही है। इस पोस्टर में सभी को एक साथ एक बोट में भी देखा जा सकता है, जो तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। रामसेतु फिल्म का लेखन और निर्देशन अभिषेक शर्मा ने किया है, वहीं इस फिल्म का निर्माण अरुणा भाटिया, विक्रम मल्होत्रा ने किया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा भी लीड रोल में नजर आएंगी। ऐसा पहली बार होगा जब अक्षय कुमार के साथ नुसरत भरूचा स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आएंगी। रामसेतु 25 अक्टूबर 2022 को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। हालांकि फिल्म का ट्रेलर 11 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया जाएगा। रामसेतु की ट्रेलर रिलीज डेट से उठा पर्दा। इस दिन आएगा एक्शन एडवेंचर फिल्म का ट्रेलर। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों अपनी पौराणिक फिल्म रामसेतु को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में आर्कियोलॉजिस्ट का कैरेक्टर निभा रहे हैं। टीजर को मिली शानदार सफलता के बाद अब मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। रामसेतु के ट्रेलर रिलीज डेट की जानकारी अक्षय कुमार ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर तस्वीरें साझा करते हुए अपनी फिल्म को लेकर भी बात की है। उन्होंने ट्रेलर रिलीज डेट के बारे में बताते हुए कैप्शन लिखा, आपने रामसेतु के टीजर पर इतना प्यार बरसाया और हम उसके आभारी हैं। जिस प्यार और उत्सुकता के साथ आप रामसेतु के ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं, वो हमें और भी कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। रामसेतु का ट्रेलर 11 अक्टूबर 2022 को रिलीज होने वाला है। रामसेतु की दुनिया में गहरे गोते लगाने के लिए खुद को तैयार रखें। रामसेतु सिनेमा घरों में 25 अक्टूबर को रिलीज होगी। टीजर ने जीता फैंस का दिल। हाल ही में रिलीज हुए टीजर में कुछ लोग रामसेतु को गिराना चाहते हैं, जबकि अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस भागते दौड़ते हुए भगवान राम की निशानी रामसेतु के अस्तित्व की खोज कर रहे हैं, रामसेतु को बचाने का प्रयास करते दिख रहे हैं। अभिषेक शर्मा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म की कहानी रामायण के दिनों में स्थापित भारतीय संस्कृति की प्राचीन एवं पौराणिक कलाकृतियों की खोज पर आधारित होगी। ये फिल्म देश की जड़ों, आस्था और आध्यात्मिक मान्यताओं के उत्सव को दर्शाएगी। इस पौराणिक फिल्म में अक्षय कुमार पुरातत्व विभाग में काम करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट आर्यन कुलश्रेष्ठ का किरदार निभा रहे हैं। रामसेतु में अक्षय कुमार के अलावा एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा भी नजर आने वाली हैं। ये फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। बड़ी खबर, रामसेतु फिल्म होगी अक्षय कुमार के करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म, क्योंकि पानी की तरह बरसाया गया है फिल्म में पैसा। सूर्यवंशी फिल्म के बाद अगर अक्षय कुमार की जितनी भी फिल्में रिलीज है वो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही है, जिसमें बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज और रक्षाबंधन फिल्में शामिल हैं। ये तीनों फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होने की वजह से अक्षय के फैंस थोड़ा निराश हुए हैं। तो फैंस को बता दें कि अभी अक्षय के पास और भी कई फिल्में हैं। आज हम उन्हीं फिल्मों में से एक रामसेतु के बारे में आई बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। दरअसल खबर है कि अक्षय कुमार के करियर की रामसेतु फिल्म अब तक की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म पर मेकर्स पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। जी हाँ, रामसेतु फिल्म का टोटल बजट 100 करोड़ का हो गया है और ये सबसे ज़्यादा बजट में बनाई गई फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। मेकर्स और खुद अक्षय इस फिल्म को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वैसे बता दें कि फिल्म रामसेतु को लेकर अक्षय लंबे समय से चर्चा में रहे हैं।
इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा दिखाई देंगी। फिल्म में अक्षय के किरदार के बारे में जाने तो फिल्म में अक्षय कुमार का रोल किसी आर्कियोलॉजिस्ट जैसा लगता है। रिपोर्ट के मुताबिक राम सेतु की कहानी रामायण और महाभारत के दिनों की प्राचीन माइथोलॉजिकल कलाकृतियों की खोज पर केंद्रित है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार ने ऐसा बताया है कि फिल्म में उनका किरदार रामायण और महाभारत या फिर उससे भी पहले के समय की कलाकृतियों को तलाश करने निकलेगा और उसी बीच कुछ रोचक और शॉकिंग जानकारियां रिवील करेगा। जहां तक बात राम सेतु की है तो इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। फिल्म में राम सेतु के निर्माण और इसके सच या झूठ होने को लेकर तमाम तरह की जो बातें अभी तक की जाती रही है उनके बारे में भी काफ़ी कुछ रिवील किए जाने के भी कयास लगाए जा रहे हैं और यही रोचक बातें दर्शक जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं और अक्षय की करियर की सबसे अलग और दमदार फिल्म होने वाली है। राम सेतु में अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस का होगा एक एडवेंचर भरा रोमांटिक सॉन्ग। अक्षय कुमार स्टारर तीन बड़ी फिल्में रिलीज हुई लेकिन ये तीनों की तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। लेकिन अभी अक्षय कुमार के पास और भी कई फिल्में मौजूद हैं जिसमें से एक है राम सेतु। राम सेतु फिल्म आर्कियोलॉजिस्ट पर बेस्ड है और इस फिल्म में अक्षय के साथ नुसरत भरूचा और जैकलिन फर्नांडिस नजर आएंगी। जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है तब से फैंस इस फिल्म के लिए बेताब हैं। फैंस को बता दें कि आज हम आपके लिए फिल्म से जुड़ी हुई बड़ी खबर लेकर आए हैं। तो खबर ये है कि इस फिल्म में एक सॉन्ग होने वाला है जिसमें हमें अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि राम सेतु फिल्म का ये एक एडवेंचर भरा रोमांटिक सॉन्ग होगा। बता दें कि इस धमाकेदार सॉन्ग की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। बात करते हैं फिल्म की तो एक सोर्स ने फिल्म के प्लॉट के बारे में बताया कि राम सेतु भारतीय संस्कृति की प्राचीन पौराणिक कलाकृतियों की खोज पर केंद्रित है जो रामायण और महाभारत के दिनों की है या शायद उससे भी पहले। तब तो जाहिर है ये देश की जड़ों और आस्था और आध्यात्मिक मान्यताओं का उत्सव है। अक्षय कुमार फिल्म में कलाकृतियों का पता लगाने वाले एक व्यक्ति का कैरेक्टर को प्ले करेंगे और वह देश की महिमा को दुनिया में बताता है। अक्षय कुमार के लुक से ही साफ हो गया था कि वह ऐसा रोल करने वाले हैं लेकिन अब इस पर पुख्ता जानकारी मिल गई है। अक्षय कुमार देश के गौरव को फिल्म में दिखाते हुए नजर आएंगे। फिल्म के रिलीज का बता दें तो फिल्म इसी साल दिवाली पर रिलीज होगी और अक्षय कुमार की टक्कर अजय देवगन से होने वाली है क्योंकि राम सेतु और थैंक गॉड दोनों फिल्में दिवाली पर ही रिलीज होगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन ऑडियंस को थिएटर तक खींच लाता है। वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार के पास गोरखा, बड़े मियां छोटे मियां, सेल्फी और OMG 2 जैसी फिल्में मौजूद हैं। राम सेतु का अगला पोस्टर और टीजर रिलीज होगा अगले हफ्ते। दोस्तों वैसे तो हम सबको फिल्में देखना पसंद है लेकिन आज की जनरेशन में लोगों को एनिमेशन वाली फिल्मों में ज़्यादा मज़ा आता है या कहे वो वही देखना पसंद करते हैं। ऐसे समय पर आर्कियोलॉजिस्ट की फिल्में बनाना और उसे रिलीज करना थोड़ा रिस्की है लेकिन फिर भी अक्षय कुमार और बाकी फिल्म मेकर्स ने राम सेतु टाइटल वाली इस फिल्म पर रिस्क लेना सही समझा। आइए बताते हैं फिल्म राम सेतु से आई एक बड़ी खबर। आपको बता दें कि अभी तक राम सेतु फिल्म के बारे में कोई ज़्यादा चीज़ें सामने नहीं आई थी, फिर चाहे वो पोस्टर हो, टीजर हो या कोई क्लिप हो, इसलिए फैंस में इस फिल्म को लेकर जिज्ञासा काफ़ी ज़्यादा है। तो उन फैंस के लिए बड़ी खबर है, बता दें कि अब जल्दी अक्षय की इस फिल्म से पोस्टर और टीजर रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, खबर है कि इसी महीने के अगले हफ्ते में फिल्म का पोस्टर और टीजर रिलीज होगा। कुछ और खबर दे दे तो अक्षय कुमार फिल्म में कलाकृतियों का पता लगाने वाले एक व्यक्ति का कैरेक्टर को प्ले करेंगे और वह देश की महिमा को दुनिया भर में बताते हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि राम सेतु फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज की जाएगी लेकिन बता दूं कि अभी तक इसे लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। अक्षय कुमार पिछले दिनों अपनी फिल्म रक्षाबंधन को लेकर काफी सुर्खियों में रहे लेकिन यह मूवी बड़े पर्दे पर कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि बच्चन पांडे और सम्राट पृथ्वीराज के फ्लॉप होने के बाद अक्षय की इस फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें थी पर वो खरी नहीं उतरी। लेकिन अभी भी अक्षय कुमार के पास और भी कई फिल्में मौजूद है। सेल्फी, गोरखा, ओ माई गॉड 2,
बड़े मियाँ छोटे मियाँ ये सब फिल्में शामिल हैं। अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस जल्दी शुरू करेंगे राम सेतु फिल्म के धमाकेदार सॉन्ग की शूटिंग। इस महीने तक पूरी हो सकती है शूटिंग। अक्षय कुमार पिछले दिनों अपनी फिल्म रक्षाबंधन को लेकर काफी सुर्खियों में रहे, लेकिन यह मूवी बड़े पर्दे पर कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि बच्चन पांडे और सम्राट पृथ्वीराज के फ्लॉप होने के बाद अक्षय की इस फिल्म से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, पर वो खरी नहीं उतरी। लेकिन अभी भी अक्षय कुमार के पास और भी कई फिल्में मौजूद हैं। सेल्फी, गोरखा, ओ माय गॉड 2, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, इन्हीं फिल्मों में से एक राम सेतु भी है और आज हम इसी फिल्म से रिलेटेड खबर लाए हैं। दोस्तों, इस फिल्म में अक्षय कुमार एक आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके साथ नुसरत भरूचा और जैकलिन फर्नांडिस लीड रोल में नजर आएंगी। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि फिल्म से जुड़ी कुछ खबर हम आपके लिए लाए हैं, तो खबर ये है कि इस फिल्म में एक सॉन्ग है जिसमें हमें अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस के बीच ज़बरदस्त डांस देखने को मिलेगा। तो बता दें कि इस धमाकेदार सॉन्ग की शूटिंग को जल्दी शुरू किया जाएगा और कहा जा रहा है कि ये सॉन्ग शूट इस मंथ तक कंप्लीट होगा। अक्षय कुमार और जैकलिन दोनों ही तैयार है इस सॉन्ग के लिए। बात करें फिल्म की, एक सोर्स ने फिल्म के प्लॉट के बारे में बताया कि राम सेतु भारतीय संस्कृति की प्राचीन पौराणिक कलाकृतियों की खोज पर केंद्रित है, जो रामायण और महाभारत के दिनों की है या शायद उससे भी पहले। तब तो जाहिर है यह देश की जड़ों और आस्था पर आध्यात्मिक मान्यताओं का उत्सव है। अक्षय कुमार फिल्म में कलाकृतियों का पता लगाने वाले एक व्यक्ति का कैरेक्टर को प्ले करेंगे और वह देश की महिमा को दुनिया में बताएंगे। अक्षय कुमार के लुक से ही साफ हो गया था कि वह कुछ ऐसा रोल करने वाले हैं, लेकिन अब इस पर पुख्ता जानकारी मिल गई है। अक्षय कुमार देश के गौरव को फिल्म में दिखाते हुए नजर आएंगे। राम सेतु का ट्रेलर रिलीज होगा अक्षय की फिल्म रक्षाबंधन के साथ। फिल्म आ रही है दिवाली पर। अक्षय कुमार पिछले दिनों अपनी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को लेकर सुर्खियों में रहे, लेकिन यह मूवी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि बच्चन पांडे के फ्लॉप होने के बाद इस फिल्म से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन अभी अक्षय कुमार के पास और भी कई फिल्में मौजूद हैं। इनमें से एक राम सेतु है। इस फिल्म में उनके साथ नुसरत भरूचा और जैकलिन फर्नांडिस लीड रोल में नजर आएंगी। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में नजर आएंगे। अक्षय कुमार फिल्म में कलाकृतियों का पता लगाने वाले एक व्यक्ति का कैरेक्टर को प्ले करेंगे। वह देश की महिमा को दुनिया में बताते हैं और आज इसी फिल्म से जुड़ी हम एक बार फिर आपके लिए खबर लाए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अक्षय की इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई है और अब फैंस को इस फिल्म के रिलीज का इंतजार है। तो फैंस को बता दें कि आपका इंतजार थोड़ा खत्म होगा, क्योंकि मेकर्स अब इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करने वाले हैं। अक्षय की इस फिल्म यानी कि राम सेतु का ट्रेलर अक्षय की ही अपकमिंग फिल्म रक्षाबंधन के रिलीज के साथ लोगों के बीच लाया जाएगा। जहां तक बात है फिल्म के रिलीज की, तो राम सेतु फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ जानकारी दे दो तो इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ भूमि पेडनेकर जोड़ी बनाएंगी। इससे पहले भी ये जोड़ी टॉयलेट एक प्रेम कथा में साथ में काम कर चुकी है, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया था। इस फिल्म को जी स्टूडियोज बैनर तले बनाया जा रहा है और फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय हैं और फिल्म की कहानी को हिमांशु शर्मा और कनिका ढिल्लो ने लिखा है। फिल्म 11 अगस्त 2022 को रिलीज होगी। आपको बता दें कि इसी दिन आमिर खान की फिल्म लालसी चड्ढा भी रिलीज होगी और ये फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन से टकराएगी। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन सी फिल्म लोगों को एंटरटेन करने में सफल होती है। आपके यहाँ होने से कुछ सवाल बनने चाहिए थे, वो हो क्यों नहीं रहे? He's the only male who's progressive and thinking about the other gender as well, clearly. Tridham. Okay, Prakash ji, my question. तो जवाब देंगे हम. Prakash ji, my question is for you. This is the first time we are meeting after the launch of this series way back in 2020. So, what made you actually think that Bobby Deol was the right choice as the title role, you know, as the villain, because this is something which probably he did only occasionally in the movies, one or two movies. Abbas Mustan. आपके पास कोई alternative है? आपके पास मैं ऐसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं नजर आया कोई दूसरा alternative. Okay. जो मेरा जो character था, उसकी presence, personality और
अंदर के लेयर्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि बहुत ही बढ़िया एक्टर है, बहुत पहले से समझ रहा था कि इसके पास बहुत बड़ा रेंज है जो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, और ये गॉड्स ऑनेस्ट ट्रुथ है कि हमारे पास दूसरा कोई नाम नहीं आया। मैंने बॉबी देओल का नाम कहा और हमारे एमएक्स प्लेयर ने हमारी हर डिसीजन को, उल्टे सीधे जितने डिसीजन हैं उसको साथ दिया है। तो उन्होंने बिल्कुल हाँ कहा और परिणाम आप देख सकते हैं कि बॉबी देओल कहाँ से कहाँ, बाबा कितने बड़े हो गए हैं, अब तो शायद वो अल्टरनेट सोच भी रहे हैं कुछ। Right. Prakash, Justin here from PTI, towards your left slightly. So last year when you were making the series, you of course were attacked, the set was ransacked. Was there any point, sir, that as a filmmaker you felt angry that your voice was being suppressed? Or at any point did that incident sort of make you alter the storyline of the series in any which way? It was only a 1 hour kind of a show, which some guys came and didn't, not on the set, but they broke some glasses or something of that sort. They did some kind of shouting which we couldn't understand, and they made a mayhem and they went away. Exactly, it took 1 hour. After they were taken care of, within an hour, we went back to our shoot and we continued the shoot and we finished the schedule of that day. See, these things are expected in our society, because the society has all kinds of people. They will behave rationally, irrationally, you know, absurdly, whatever it is. We all have that attitude. And I look at it in a very natural way. It came and it went. We didn't alter anything. We didn't have to do anything because there was no dialogue. If there was a dialogue, we could have spoken, we could have said, we could have talked. But there was no dialogue. It was just like you are sitting in a house watching a TV and a stone comes and breaks the glass of your house. And you peep and look outside and you see somebody running away. And that's it. What can you do? It's just that sort of a thing. Agar kahin khade hoke baatcheet hoti to phir बदलने की बात होती या बढ़ाने की बात होती, कोई भी बात होती, बात तो हुई नहीं। मैं आज तक इंतजार कर रहा हूं कोई बात करे आके। बट सबसे बड़ी बात यही है ना कि हम उस जमाने में पहुंच गए हैं जबकि बात करना ही नहीं चाहते, और हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि एक टेलीफोन भी जो है ना, उसका इस्तेमाल बहुत समय जमाने तक हम लोग एक दूसरे से बात करने के लिए करते थे। आज टेलीफोन का इस्तेमाल एक दूसरे से बात नहीं करने के लिए करते। प्रकाश जी, दैट्स व्हाट इट इज। मुझे जरूरत पड़ी नहीं, मैंने किसी एसोसिएशन की तरफ हाथ बढ़ाया नहीं, ना ही पुकारा। कुछ लोगों ने जिनने हमारे समर्थन में बात कहनी थी, जो दुख व्यक्त करना था, उन्होंने कहा, मैंने मतलब अपना विश्वास काफी अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा कि मैंने किसी से कुछ कहा हो या मांगा हो या कुछ किया, हम अपना काम करते गए। प्रकाश जी यहाँ पे, प्रकाश जी हेमंत सांगानी। हाँ जी हेमंत जी। प्रकाश जी, ये आश्रम जो सीरियल है बड़ा पॉपुलर हुआ है, पब्लिक डोमेन में रहा, काफ़ी फैक्ट है, आपने उसको फिक्शनलाइज किया है। मुझे आपसे शुरुआत करनी है, बाद में गौतम से एंड द होल कास्ट सिटिंग हुआ है। ये अध्याय ने तो दिस बताया कि उसने अपने कमजोर समय में ही अप्रोच सच बाबा जी ने, होता क्या है कि इन बाबाओं को मिनिस्टर से लेके पॉलिटिशियन से लेके हर कोई अप्रोच करता है, सबको चाहिए सिद्धि, चाहिए इमीडिएटली ऊपर आना है। तो आप लोगों ने कभी अपने रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है कि आप इस तरह के बाबा को या पंडित को या मांत्रिक को, तांत्रिक को कभी अप्रोच किया हो आपने अपने लेवल पे, और फिर रियलाइज किया हो कि नहीं ये तो मैंने
पता करके, ढूंढ करके, समझ करके, सच्चे सिद्ध बाबा लोगों के साथ संगत की है, पहाड़ों में, बनारस में, गांव में, जो लोग अपनी साधना में लगे हैं, जो लोग अपने अध्यात्म में लगे हैं और बड़े गहरे अध्यात्म में हैं। हमारे यहाँ की जो परंपरा है वो बहुत ही संगीन परंपरा है और बहुत ही उत्तरदायित्व के साथ वो लोग काम करते हैं। वो लोग इन चमक दमक और ये जो बाबाओं के आप खेल देखते हैं उसमें नहीं रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गुरु हैं हमारे, ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं हमारे, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, संस्थान हैं। हमें महसूस होता है कहीं कभी किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जब जाते हैं तो हमें वहां का पावर महसूस होता है, क्योंकि वहां लोगों की आस्था जमा रहती है। जब हम किसी एक व्यक्ति के ऊपर में सब विश्वास करने लगते हैं तो वो व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, वो हमारा लीडर बन जाता है और उसकी हमारी आस्था की जोत से, हमारी आस्था के दम पर उसकी काया बदल जाती है। यही है आस्था की बात। लेकिन जब हम हल्के से चाहते हैं कि अच्छा समोसे के साथ हरी चटनी खा लें और पास कर जाएं परीक्षा, तो फिर बात अलग हो जाती है। पंडित जी कहते रहे कि बेलपत्र में मध लगा करके और शिवलिंग को लगा दीजिएगा, बेटा पास कर जाएगा, खुद का बेटा फेल कर गया। तो जब हम उसमें वैसा उन चीजों में लग जाते हैं तो फिर सत्यानाश हो जाता है। तो इनकी बात तो करनी ही चाहिए ना, इनके छद्म को उजागर करना भी हमारा कर्तव्य है ना। और राजनीतिक वगैरह कोई ऊपर जाने के लिए नहीं करते, इनके सिर्फ इनकी जो पॉपुलैरिटी होती है उस पॉपुलैरिटी से जो इनका वोट बैंक पर जो अधिकार होता है उस फायदे के लिए ही जाते हैं और उनका कोई मतलब नहीं है अध्यात्म से या धर्म से। तो हमें तो कहानी ढूंढते हैं, कहानी ढूंढे और कहानी ढूंढे तो बहुत सारे पात्र मिले और बहुत सारे सब प्लॉट्स मिले और वह मिला करके और मनोरंजन भी होता है और बातें भी खुल के सामने आती है। So I just genuinely believe that cinema reflects society and society reflects cinema, and I think that is important to understand. And if we are managing with the story to tell what we want to tell, and even if two people understand what is being said and there is an impact created, I think that's great for us. I think that is important. And it's generally a reflection of both. I think it just works to both sides over. So that's what. But I've never been, no, on a personal capacity. No, I've read a lot of people. I've been inspired by a lot of people, world teachers. But personally, no, I have not yet visited a specific Baba or something. Not yet. I would like to add something about this. मेरी फैमिली में मेरे पिताजी एक आश्रम है महानंदमयी माँ का, हरिद्वार में, दिल्ली में, हर जगह पे है। तो जैसे सर ने इनसे पूछा कि आप यू हैव टू हैव फेथ और बिलीव, आपको पता चलना चाहिए कि आपसे कोई क्या इन रिटर्न ले रहा है। सो आई हैव फेथ, आई डू गो टू महानंदमयी आश्रम एंड इट्स डन मी गुड बिकॉज आई बिलीव इन इट। एंड सो मैं नहीं बोलूँगी कि हर बाबा ढोंगी होते या कैसे होते या क्या होता है। सो इट इज अबाउट वॉट यू आर गोइंग देयर फॉर एंड वॉट इज योर पर्पस। मेरे साथ भी आपका ऐसा ही अनुभव था ना? हाँ, बिल्कुल। सर एक कहानी मैं ऐड करना चाहूंगा क्विकली। आप अपने बाबा के बारे में कुछ बताएं। हाँ बताएं प्लीज। वेल मेरी फैमिली काफ़ी रही है, हम हरदम मेरे पेरेंट्स ने किसी ना किसी को फॉलो किया है। तो आई ग्रू अप काइंड ऑफ नॉट वेरी यू नो बिलीविंग इन द कॉन्सेप्ट बिकॉज मैंने उसके रेपरकर्शन ज़्यादा देखे वाइल ग्रोइंग अप। एंड सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने समझी है इज़ नॉट जस्ट द लीडर, द स्पिरिचुअल लीडर दैट यू आर फॉलोइंग, इट्स ऑल्सो वॉट काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड द पाथ दैट यू आर ऑन टू योर सेल्फ। वो डिसाइपल पे भी उतना ही यू नो डिपेंड करता है।
जैसे जो हमारे बाबा जी थे वो हरदम मेरे पापा को बोला करते थे टू बी वेरी ऑनेस्ट कि अपना अगर तुमने गृहस्थ जीवन लिया है तो उसकी जो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको पूरा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन लीविंग इट मिड वे एंड गेटिंग इन टू स्पिरिचुअलिटी दैट्स नॉट योर कर्तव्य आप उस लिए नहीं लिए हैं आपने आप आए हैं यहाँ एंड सम पीपल आई हैव सीन जब वो स्पिरिचुअल लीडर्स के पीछे जाते हैं तो सब कुछ त्यागने में लग जाते हैं जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने ली होती हैं उनको छोड़ने में लग जाते हैं विच इज़ नॉट द राइट वे एंड समवेयर अलॉन्ग द पाथ या तो आप एज आई सेड बिफोर मैजिक एक्सपेक्ट करते हैं अपने लीडर के थ्रू कि कुछ ये हो जाए कुछ अच्छा हो जाए कोई पास हो जाए बिजनेस चल जाए सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो अभी स्ट्रगल्स हैं आप सोचते हैं कि वो ख़त्म हो जाएंगी जो नहीं होता वो खाली श्रम वो खाली हार्डवर्क से ही होता है आपके आप लीडर ढूंढते हैं फॉर पीसफुलनेस फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी एंड मेरे ख्याल से एज त्रिधा ऑल्सो सेड जस्ट एडिंग टू दैट आप किस चीज़ के लिए उस पाथ पे निकले हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वाइल मेंटेनिंग योर ओन इंडिविजुअलिटी एंड सेंसिबिलिटी एंड नॉट गिविंग समबडी एल्स द पावर टू कम्प्लीटली रूल ओवर यू रादर टू गाइड यू एंड दैट कैन ओनली हैपन अगर आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी भी आपके साथ है So yeah, I don't know whether I've really elaborated on the point, but well. Gautam sir, sir, sir over here, Gautam sir. So my first question to you is, what is the response? What response you have received for season one and season two for Ashram, and what your focus or expectation is there from Ashram 3? Well, the response for the first two chapters have been absolutely phenomenal. Like I said, 160 million people have watched it. That's a lot. If I even add all the OTTs put together, it won't kind of add up, to be really honest with you, right? I think the distribution of MX makes all the difference. I think most of our cast, when they go out to... We're a proudly mass entertainment channel. And that's where we touch lives. We touch lives right at the root of India. Class 1, Class 2 city. Those are the people who've seen it. Those are the people who loved it. People, of course, here have loved it. So what has happened is that this is one of those shows on our platform that has actually cut across all barriers, right? There's age, SEC, income, gender. Nothing has stopped people from watching this show. And there are very few. And trust me, from the film industry, everybody tries to get a universal story. Everybody wants to get a universal story. It's very rarely that you find one. And I think that the love and affection that consumers have given us has been absolutely phenomenal. As in to trend in 6 hours on all social media platforms organically is not possible. It doesn't happen very often. It's just the pure love of the consumer that has worked for this show and the love that you know everybody sitting here has got. It's the effort that has been put... by Prakash Jha and team at PJP, at our team, the cast, the crew. They've really, really worked hard, guys. You have no idea to put and mount something at this scale is not easy. The expectation becomes much larger from the consumer side and it becomes tougher with every season because the novelty factor does wear off, right? People know now Baba does this and Baba does that. And to keep that sense alive, to keep that thing alive is a very, very, very tough job. And, you know, just kudos to the entire team sitting here, that's possible. Expectations are very, very large. That much I can guarantee you. Not from MX, but from the viewer, largely. Yeah. Sir, main sir, add karna chahunga, jahan Tridha ne iske baare mein baat ki, jab aap baba ya guruji ke paas jaate hain, to wo aapse mangte kya hai, wo janna bahut zaruri hai. Lekin kabhi-kabhi guru aapko bhi dhoond lete hain. Aur main ek bahut personal quick kahani batata hun aapko, jab main saare baba uske paas gaya, jab ashram ke ek mahine release ke pehle, when I was in massive sort of going downhill emotionally ki bhai aage kya hoga kaam nahi hai pata nahi kya hone wala ashram ko log kaise accept karenge ek bahut hi strange phone call aaya mujhe shri shri ravi shankar ka na main unko follow karta hu na main kabhi unse mila aur na hi koi reason tha unko mujhe phone karne ka aur unhone mujhe phone kiya aur my father came to my room he said so I said maybe it's a prank call why would shri shri ravi shankar call me you know but in the next 5 minutes I was on video call with him and he said main janta hu that you've not been able to sleep aur main janta hu ki tumhe zindagi mein bahut takleefe hain mark my words your life is going to change and I know it and I said why are you calling me he said I dreamt of you I felt like calling you and he called me
And that is when Ashram came after 1 month and my life changed. It's just Guru, sometimes the right Guru can find you also was my point. And it's a miracle, but it's just unbelievable. Prakash sir, my question to you is, after so many threats and consequences, what inspired you to make part 3 of this series? Dost, matlab ganga jal, apaharan, rajniti, arakshan, threat aur ye sari cheeze to meri zindagi ka hissa hai. Sir, I just my last question. Yeah. My last question to two beautiful actress here. Yeah. Thank you. Also, Sachin. Beautiful actress. So, ma'am, what are your upcoming projects? Any specifically woman-centric movie in your list? I mean, ये क्या question हुआ इस जगह के लिए? मतलब आपने पूछ के भी ऐसा कुछ पूछा? आ रहे हैं, काम आ रहा है. Asur is coming. There's a film called Gubar with Vinay Pathak. Women centric role एक है आगे भी जो मैं एक movie करने वाली हूँ. बाहर में यही बात दर्शन से पूछ रही थी कि मुझे बहुत action करना है उसमें, मुझे क्या करना चाहिए? I'm really not sure. But well. Yeah, I think it's all upon the viewers. It's upon you journalists to support actors like us and to give women the due that they respect, they you know deserve, and appreciate work coming in. And I think things have become much better now. Kafi sara achha kaam ho raha hai, irrespective of the gender. And good scripts are being written. This is the best time, I think, for Indian entertainment industry. And I don't think we have reasons to complain. It can only become better from here. I'll tell you. Ek Badnaam Ashram 3 is coming on 3rd of June. You must watch that. We'll just take the questions because Hemantji's questions are left to be answered by Rajiv, by Darshan and by Sachin. If you just respond to that question which Hemantji asked, if you had any personal experience. जी हाँ, गुरु के पास गए हैं. एंड जैसे कि अध्ययन ने बताया, प्रकाश जी ने भी बताया, त्रिधा ने भी मेंशन किया, आपको खुद पता लग जाता है कि क्या सच है और क्या विश्वास है और क्या अंधविश्वास है. सो हर कोई अपने कमजोर समय पर आई एम श्योर सोचता है कि क्या करूं, तब इस तरह की कुछ कुछ बातें आती हैं सामने. कई लोग जाते हैं, कई लोग अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं. यस, मैं किससे मिला था, बट यस, मुझे ये भी फील हुआ कि हाँ, वो मुझे कोई अंधविश्वास में धकेल नहीं रहे हैं. वो मुझसे यही कह रहे हैं कि आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, आगे बढ़ते चलो, सब अच्छा होगा. एंड जस्ट आंसर टू दैट क्वेश्चन कि इवन आई हैव हैड द गुड फॉर्चून ऑफ मीटिंग यू नो सेंट्स एंड सिद्ध पीपल जो छोटे छोटे गांव में रहते हैं, वो पब्लिसिटी नहीं करते हैं, बेसिकली उनको करने की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही वो करना चाहते हैं. बट यू नो आप इंटुइटिवली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हु इज़ द रियल डील एंड हु इज़ नॉट. एंड आई फील आपका दिल आपको बता देता है. एंड सेकेंडली आई थिंक अ ट्रू लीडर, अ ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन, अ ट्रू गुरु एम्पावर्स यू रादर देन एक्सप्लॉइट्स यू. सो दैट्स व्हाट. जी नहीं, मैं कभी किसी बाबा के पास नहीं गया. हाँ, उजागर सिंह बाबा के पीछे ज़रूर पड़े, वो इसमें कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर ज़रूर मैं बाबा जी के पीछे हूँ, उनके आश्रम में गया. अदरवाइज़ मैं कभी किसी बाबा को मैंने फॉलो नहीं किया. अपने काम को फॉलो करता हूँ, पूजा ज़रूर करता हूँ हर रोज़, गॉड में बिलीव करता हूँ, और मेरे लिए मेरा काम भगवान है, और कोशिश करता हूँ उसी में अपनी श्रद्धा रखूँ, उसी से प्यार करूँ. प्रकाश जी, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है. प्रकाश जी, यहाँ पर वंदना बोल रही हूँ फिल्म इंडिया से. सर, आपको तो बोल रहे हो कि बहुत स्ट्रेस मिले, लेकिन इसका कुछ इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हुआ है कि कोई इंसिडेंट आपको याद है कि भाई कुछ पॉजिटिव ये सीरियल देख के उस पर्सन का लाइफ चेंज हो गया या उसका माइंडसेट चेंज हो गया, कोई इंसिडेंट आपको याद है इस बारे में?
आपको स्ट्रेस तो बहुत मिले लेकिन कुछ पॉजिटिविटी भी मिली होगी पक्का. जब भी जहां भी लोग मिले और देखा और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा आपका आश्रम, तो ये पॉजिटिव बात हो ही गई ना. नहीं, किसका लाइफ मतलब वो बिलीव कर रहा था कुछ बच मैं, गए वो मैंने person. मैंने उसको फॉलो नहीं किया कि उसका लाइफ कैसा था और नहीं, कैसा नहीं, बदल गया. कोई मतलब उस रॉन्ग वे में गया हो और ये वेब सीरीज देख के उसने अपना माइंडसेट चेंज कर दिया, मतलब ऐसे कुछ कोई इंसिडेंट आपको किसी ने बताया? नहीं, मुझे ऐसा कोई किसी ने बताया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को जो अनुभव हुआ वो रिलेट कर पाया उस अनुभव से जो जिंदगी में आसपास देखते हैं, समझते हैं. और सबसे बड़ी चीज है कि उस अनुभव को वो समझ पाए. कई बार क्या होता है कि चीजें हम देखते हैं, हम चकित रह जाते हैं, लेकिन क्यों होती हैं वो समझ में नहीं आता. आश्रम क्या है, आश्रम की चूंकि कहानी ऐसी पसरी हुई है, फैली हुई है, तो उसका व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, व्यवसायिक क्या उसके असर हो सकते हैं, उसके ताने बाने को आप समझते हैं तो आपकी आंखें खुलती हैं. Hello, तो ऐसा तो हुआ ही है, लोगों ने मुझे बताया है, बहुत सारे लोगों ने कि अच्छा ऐसा होता है तो समझ में आया, अवेयरनेस हुआ है. जी. हेलो सर. हेलो मैम. हियर आई एम शची फ्रॉम एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज. माय क्वेश्चन इज फ्रॉम अनुप्रिया एंड त्रिधा मैम. मैम, बीइंग अ वुमन वी आर समटाइम्स अक्षय की राम सेतु फिल्म से आई बड़ी खबर, जाने कब रिलीज होगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर. अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु सिनेमा घरों में रिलीज होने के बाद अब इसके ओटीटी रिलीज की खबरें छाई हुई है. इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा देखने को मिली है और यह फिल्म थिएटर रिलीज के दौरान थैंक गॉड से क्लैश हुई थी. और अब अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु की ओटीटी रिलीज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. जी हाँ, बताया जा रहा है कि 25 अक्टूबर को रिलीज हुई राम सेतु बहुत जल्द ओटीटी साइट पर रिलीज होने जा रही है. खबर है कि अक्षय की यह फिल्म अमेजन प्राइम पर रिलीज होने जा रही है. हालांकि फिल्म की ओटीटी पर रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह इसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होनी है. वैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि यह फिल्म दिसंबर के आखिर में
ओटीटी पर रिलीज हो सकती है। आमतौर फिल्में सिनेमा हॉल में रिलीज होने के 2 महीने बाद ओटीटी पर रिलीज होती है, लेकिन कहा जा रहा है कि मेकर्स और ओटीटी के बीच इसे लेकर अभी फाइनल डील नहीं हुई है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अच्छा प्रदर्शन ना होने के चलते इसे जल्द ओटीटी पर रिलीज किए जाने की खबर है। बता दें कि राम सेतु अक्षय कुमार की इस साल रिलीज होने वाली 4थी फिल्म है। इसके अलावा 5वीं फिल्म कठपुतली ओटीटी पर रिलीज हुई है। राम सेतु से पहले बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई अक्षय कुमार की बाकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा सकी है और अक्षय की फिल्म राम सेतु भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित रही। खिलाड़ी कुमार की राम सेतु का नया पोस्टर आउट, जाने कब लॉन्च होगा ट्रेलर। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म राम सेतु पिछले काफी समय से चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इस फिल्म के अब तक कई अपडेट सामने आ चुके हैं। अब हाल ही में राम सेतु के मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर जारी कर दिया है और इसी के साथ ट्रेलर रिलीज डेट पर से भी पर्दा हटाया है, जिस वजह से फैंस की खुशी दोगुनी हो गई है। अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पेज से एक पोस्ट साझा कर इस बात की जानकारी दी है। खिलाड़ी कुमार ने कैप्शन में लिखा, आपके द्वारा बनाए जा रहे सभी अद्भुत पोस्टरों से प्रेरित होकर यहाँ कुछ ऐसा है जिस पर मैंने टीम के साथ काम किया है, उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। हैशटैग राम सेतु का ट्रेलर मंगलवार 11 अक्टूबर 2022 को आउट होगा। राम सेतु के पोस्टर में किसी चीज की तलाश करते हुए देखा जा रहा है, वहीं अक्षय कुमार के चेहरे पर हैरानगी वाले एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा भी तस्वीरों में कुछ सोच विचार करती नजर आ रही है। इस पोस्टर में सभी को एक साथ एक बोट में भी देखा जा सकता है, जो तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। राम सेतु फिल्म का लेखन और निर्देशन अभिषेक शर्मा ने किया है, वहीं इस फिल्म का निर्माण अरुणा भाटिया, विक्रम मल्होत्रा ने किया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा भी लीड रोल में नजर आएंगी। ऐसा पहली बार होगा जब अक्षय कुमार के साथ नुसरत भरूचा स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आएंगी। राम सेतु 25 अक्टूबर 2022 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि फिल्म का ट्रेलर 11 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया जाएगा। राम सेतु की ट्रेलर रिलीज डेट से उठा पर्दा, इस दिन आएगा एक्शन एडवेंचर फिल्म का ट्रेलर। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों अपनी पौराणिक फिल्म राम सेतु को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में आर्कियोलॉजिस्ट का कैरेक्टर निभा रहे हैं। टीजर को मिली शानदार सफलता के बाद अब मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। राम सेतु के ट्रेलर रिलीज डेट की जानकारी अक्षय कुमार ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर तस्वीरें साझा करते हुए अपनी फिल्म को लेकर भी बात की है। उन्होंने ट्रेलर रिलीज डेट के बारे में बताते हुए कैप्शन लिखा, आपने राम सेतु के टीजर पर इतना प्यार बरसाया और हम उसके आभारी हैं। जिस प्यार और उत्सुकता के साथ आप राम सेतु के ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं, वो हमें और भी कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। राम सेतु का ट्रेलर 11 अक्टूबर 2022 को रिलीज होने वाला है। राम सेतु की दुनिया में गहरे गोते लगाने के लिए खुद को तैयार रखें। राम सेतु सिनेमाघरों में 25 अक्टूबर को रिलीज होगी। टीजर ने जीता फैंस का दिल। हाल ही में रिलीज हुए टीजर में कुछ लोग राम सेतु को गिराना चाहते हैं, जबकि अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस भागते दौड़ते हुए भगवान राम की निशानी राम सेतु के अस्तित्व की खोज कर रहे हैं, राम सेतु को बचाने का प्रयास करते दिख रहे हैं। अभिषेक शर्मा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म की कहानी रामायण के दिनों में स्थापित भारतीय संस्कृति की प्राचीन एवं पौराणिक कलाकृतियों की खोज पर आधारित होगी। ये फिल्म देश की जड़ों, आस्था और आध्यात्मिक मान्यताओं के उत्सव को दर्शाएगी। इस पौराणिक फिल्म में अक्षय कुमार पुरातत्व विभाग में काम करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट आर्यन कुलश्रेष्ठ का किरदार निभा रहे हैं। राम सेतु में अक्षय कुमार के अलावा एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा भी नजर आने वाली हैं। ये फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। बड़ी खबर, राम सेतु फिल्म होगी अक्षय कुमार के करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म, क्योंकि पानी की तरह बरसाया गया है फिल्म में पैसा। सूर्यवंशी फिल्म के बाद अगर अक्षय कुमार की जितनी भी फिल्में रिलीज है वो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही है, जिसमें बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज और रक्षाबंधन फिल्में शामिल हैं।
ये तीनों फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होने की वजह से अक्षय के फैंस थोड़ा निराश हुए हैं। तो फैंस को बता दें कि अभी अक्षय के पास और भी कई फिल्में हैं। आज हम उन्हीं फिल्मों में से एक राम सेतु के बारे में आई बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। दरअसल खबर है कि अक्षय कुमार के करियर की राम सेतु फिल्म अब तक की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म पर मेकर्स पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। जी हाँ, राम सेतु फिल्म का टोटल बजट 100 करोड़ का हो गया है और ये सबसे ज़्यादा बजट में बनाई गई फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। मेकर्स और खुद अक्षय इस फिल्म को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वैसे बता दें कि फिल्म राम सेतु को लेकर अक्षय लंबे समय से चर्चा में रहे हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा दिखाई देंगी। फिल्म में अक्षय के किरदार के बारे में जाने तो फिल्म में अक्षय कुमार का रोल किसी आर्कियोलॉजिस्ट जैसा लगता है। रिपोर्ट के मुताबिक राम सेतु की कहानी रामायण और महाभारत के दिनों की प्राचीन माइथोलॉजिकल कलाकृतियों की खोज पर केंद्रित है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार ने ऐसा बताया है कि फिल्म में उनका किरदार रामायण और महाभारत या फिर उससे भी पहले के समय की कलाकृतियों को तलाश करने निकलेगा और उसी बीच कुछ रोचक और शॉकिंग जानकारियां रिवील करेगा। जहां तक बात राम सेतु की है तो इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। फिल्म में राम सेतु के निर्माण और इसके सच या झूठ होने को लेकर तमाम तरह की जो बातें अभी तक की जाती रही है उनके बारे में भी काफ़ी कुछ रिवील किए जाने के भी कयास लगाए जा रहे हैं और यही रोचक बातें दर्शक जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं और अक्षय की करियर की सबसे अलग और दमदार फिल्म होने वाली है। राम सेतु में अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस का होगा एक एडवेंचर भरा रोमांटिक सॉन्ग। अक्षय कुमार स्टारर तीन बड़ी फिल्में रिलीज हुई लेकिन ये तीनों की तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। लेकिन अभी अक्षय कुमार के पास और भी कई फिल्में मौजूद हैं जिसमें से एक है राम सेतु। राम सेतु फिल्म आर्कियोलॉजिस्ट पर बेस्ड है और इस फिल्म में अक्षय के साथ नुसरत भरूचा और जैकलिन फर्नांडिस नजर आएंगी। जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है तब से फैंस इस फिल्म के लिए बेताब हैं। फैंस को बता दें कि आज हम आपके लिए फिल्म से जुड़ी हुई बड़ी खबर लेकर आए हैं। तो खबर ये है कि इस फिल्म में एक सॉन्ग होने वाला है जिसमें हमें अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि राम सेतु फिल्म का ये एक एडवेंचर भरा रोमांटिक सॉन्ग होगा। बता दें कि इस धमाकेदार सॉन्ग की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। बात करते हैं फिल्म की तो एक सोर्स ने फिल्म के प्लॉट के बारे में बताया कि राम सेतु भारतीय संस्कृति की प्राचीन पौराणिक कलाकृतियों की खोज पर केंद्रित है जो रामायण और महाभारत के दिनों की है या शायद उससे भी पहले। तब तो जाहिर है ये देश की जड़ों और आस्था और आध्यात्मिक मान्यताओं का उत्सव है। अक्षय कुमार फिल्म में कलाकृतियों का पता लगाने वाले एक व्यक्ति का कैरेक्टर को प्ले करेंगे और वह देश की महिमा को दुनिया में बताता है। अक्षय कुमार के लुक से ही साफ हो गया था कि वह ऐसा रोल करने वाले हैं, लेकिन अब इस पर पुख्ता जानकारी मिल गई है। अक्षय कुमार देश के गौरव को फिल्म में दिखाते हुए नजर आएंगे। फिल्म के रिलीज का बता दें तो फिल्म इसी साल दिवाली पर रिलीज होगी और अक्षय कुमार की टक्कर अजय देवगन से होने वाली है, क्योंकि राम सेतु और थैंक गॉड दोनों फिल्में दिवाली पर ही रिलीज होगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन ऑडियंस को थिएटर तक खींच लाता है। वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार के पास गोरखा, बड़े मियां छोटे मियां, सेल्फी और OMG 2 जैसी फिल्में मौजूद हैं। राम सेतु का अगला पोस्टर और टीजर रिलीज होगा अगले हफ्ते। दोस्तों वैसे तो हम सबको फिल्में देखना पसंद है, लेकिन आज की जनरेशन में लोगों को एनिमेशन वाली फिल्मों में ज़्यादा मज़ा आता है या कहे वो वही देखना पसंद करते हैं। ऐसे समय पर आर्कियोलॉजिस्ट की फिल्में बनाना और उसे रिलीज करना थोड़ा रिस्की है, लेकिन फिर भी अक्षय कुमार और बाकी फिल्म मेकर्स ने राम सेतु टाइटल वाली इस फिल्म पर रिस्क लेना सही समझा। आइए बताते हैं फिल्म राम सेतु से आई एक बड़ी खबर। आपको बता दें कि अभी तक राम सेतु फिल्म के बारे में कोई ज़्यादा चीज़ें सामने नहीं आई थी, फिर चाहे वो पोस्टर हो, टीजर हो या कोई क्लिप हो, इसलिए फैंस में इस फिल्म को लेकर जिज्ञासा काफ़ी ज़्यादा है। तो उन फैंस के लिए बड़ी खबर है, बता दें कि अब जल्दी अक्षय की इस फिल्म से पोस्टर और टीजर रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, खबर है कि इसी महीने के अगले हफ्ते में फिल्म का पोस्टर और टीजर रिलीज होगा।
कुछ और खबर दे दे तो अक्षय कुमार फिल्म में कलाकृतियों का पता लगाने वाले एक व्यक्ति का कैरेक्टर को प्ले करेंगे और वह देश की महिमा को दुनिया भर में बताते हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि राम सेतु फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज की जाएगी, लेकिन बता दूं कि अभी तक इसे लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। अक्षय कुमार पिछले दिनों अपनी फिल्म रक्षाबंधन को लेकर काफी सुर्खियों में रहे, लेकिन यह मूवी बड़े पर्दे पर कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि बच्चन पांडे और सम्राट पृथ्वीराज के फ्लॉप होने के बाद अक्षय की इस फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें थी, पर वो खरी नहीं उतरी। लेकिन अभी भी अक्षय कुमार के पास और भी कई फिल्में मौजूद है, सेल्फी, गोरखा, ओ माई गॉड 2, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ये सब फिल्में शामिल है। अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस जल्दी शुरू करेंगे राम सेतु फिल्म के धमाकेदार सॉन्ग की शूटिंग। इस महीने तक पूरी हो सकती है शूटिंग। अक्षय कुमार पिछले दिनों अपनी फिल्म रक्षाबंधन को लेकर काफी सुर्खियों में रहे, लेकिन यह मूवी बड़े पर्दे पर कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि बच्चन पांडे और सम्राट पृथ्वीराज के फ्लॉप होने के बाद अक्षय की इस फिल्म से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, पर वो खरी नहीं उतरी। लेकिन अभी भी अक्षय कुमार के पास और भी कई फिल्में मौजूद हैं, सेल्फी, गोरखा, ओ माई गॉड 2, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, इन्हीं फिल्मों में से एक राम सेतु भी है और आज हम इसी फिल्म से रिलेटेड खबर लाए हैं। दोस्तों, इस फिल्म में अक्षय कुमार एक आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके साथ नुसरत भरूचा और जैकलिन फर्नांडिस लीड रोल में नजर आएंगी। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि फिल्म से जुड़ी कुछ खबर हम आपके लिए लाए हैं, तो खबर ये है कि इस फिल्म में एक सॉन्ग है जिसमें हमें अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस के बीच ज़बरदस्त डांस देखने को मिलेगा। तो बता दें कि इस धमाकेदार सॉन्ग की शूटिंग को जल्दी शुरू किया जाएगा और कहा जा रहा है कि ये सॉन्ग शूट इस मंथ तक कंप्लीट होगा। अक्षय कुमार और जैकलिन दोनों ही तैयार है इस सॉन्ग के लिए। बात करें फिल्म की, एक सोर्स ने फिल्म के प्लॉट के बारे में बताया कि राम सेतु भारतीय संस्कृति की प्राचीन पौराणिक कलाकृतियों की खोज पर केंद्रित है, जो रामायण और महाभारत के दिनों की है या शायद उससे भी पहले। तब तो जाहिर है यह देश की जड़ों और आस्था पर आध्यात्मिक मान्यताओं का उत्सव है। अक्षय कुमार फिल्म में कलाकृतियों का पता लगाने वाले एक व्यक्ति का कैरेक्टर को प्ले करेंगे और वह देश की महिमा को दुनिया में बताएंगे। अक्षय कुमार के लुक से ही साफ हो गया था कि वह कुछ ऐसा रोल करने वाले हैं, लेकिन अब इस पर पुख्ता जानकारी मिल गई है। अक्षय कुमार देश के गौरव को फिल्म में दिखाते हुए नजर आएंगे। राम सेतु का ट्रेलर रिलीज होगा अक्षय की फिल्म रक्षाबंधन के साथ। फिल्म आ रही है दिवाली पर। अक्षय कुमार पिछले दिनों अपनी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को लेकर सुर्खियों में रहे, लेकिन यह मूवी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि बच्चन पांडे के फ्लॉप होने के बाद इस फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन अभी अक्षय कुमार के पास और भी कई फिल्में मौजूद हैं, इनमें से एक राम सेतु है। इस फिल्म में उनके साथ नुसरत भरूचा और जैकलिन फर्नांडिस लीड रोल में नजर आएंगी। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में नजर आएंगे। अक्षय कुमार फिल्म में कलाकृतियों का पता लगाने वाले एक व्यक्ति का कैरेक्टर को प्ले करेंगे। वह देश की महिमा को दुनिया में बताते हैं और आज इसी फिल्म से जुड़ी हम एक बार फिर आपके लिए खबर लाए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अक्षय की इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई है और अब फैंस को इस फिल्म के रिलीज का इंतजार है। तो फैंस को बता दें कि आपका इंतजार थोड़ा खत्म होगा, क्योंकि मेकर्स अब इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करने वाले हैं। अक्षय की इस फिल्म यानी कि राम सेतु का ट्रेलर अक्षय की ही अपकमिंग फिल्म रक्षाबंधन के रिलीज के साथ लोगों के बीच लाया जाएगा। जहां तक बात है फिल्म के रिलीज की, तो राम सेतु फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ जानकारी दे दो तो इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ भूमि पेडनेकर जोड़ी बनाएंगी। इससे पहले भी ये जोड़ी टॉयलेट एक प्रेम कथा में साथ में काम कर चुकी है, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया था। इस फिल्म को जी स्टूडियोज बैनर तले बनाया जा रहा है और फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय हैं और फिल्म की कहानी को हिमांशु शर्मा और कनिका ढिल्लो ने लिखा है। फिल्म 11 अगस्त 2022 को रिलीज होगी। आपको बता दें कि इसी दिन आमिर खान की फिल्म लालसी चड्ढा भी रिलीज होगी और ये फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन से टकराएगी। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन सी फिल्म लोगों को एंटरटेन करने में सफल होती है। Misunderstood as an object to be suppressed. So do you think this Baba, the character of Baba, is more like a soch
but not a character. Like, there's no need to be a Baba to be like this. It is more like a soch. I'm sorry, you'll have to rephrase your question. So basically, my question is, can I ask my question, please? Yeah. No worries, you can sit and ask. Bed ke puche, no worries. So my question is, this the character of this Baba is more like a soch, do you think so? Because there's no need ki ek Baba hoga to hi bura hoga. Because we as a women sometimes misunderstood as a object to be suppressed. Your thoughts? So this has been going on for centuries, and it's not that men are doing it. I feel exploitation doesn't always happen because men are doing it. I feel women also throw themselves. They also think it might be an easier route to do things, you know, make something happen in their lives. So I will not always blame the men for being that, and we can't call men are being men. It's just, it happens in multiple spaces, you know. It's not the sudden revolution that's happening. So women are not always oppressed, but yes, I'm very, very happy to the society that people are becoming more aware and they are standing up for it. And men and women, we're coexisting in a much better manner, is what I would say. So let's say exploitations are reducing, things are feeling more safe and better, right? Yeah. I think that's a wonderful question, and there are two parts to it as I see it. One, it's not about men and women, you know. Aapne sahi kaha ki wo ek soch hai. You know, Baba ek zariya ban jate hain kyunki aap unko ek spirituality ka ek rasta maan lete hain. Aap unse ek tarah ki, you know, kabhi aap kuch chahte hain unse, kabhi margdarshan chahte hain, kabhi aap unse kuch miracles chahte hain. But at the same point in time, anybody you give the power to, and sabse zyada I think religion ke madhyam se bahut zyada hota hai. Where somebody, a spiritual leader or a political party or anybody of a certain kind, they use a thing that touches your heart or can pull your strings to kind of exploit you or your sensibility and apna kaam karwane ka koshish karte hain. To ek soch hi hai. Yes, women are suppressed. They have been suppressed for a very, very long time. And it's upon us women and of generations, the one before us and the one that we are, you know, making now in the process of it. Men and women both, to have respect for both the sexes and to not give anybody the power to rule your life. While respecting opinions doesn't mean that you need to inculcate them and adapt them in your life completely. Jaise sir ne kaha, dialogue bahut zaruri hai. Wo dialogue ho hi nahi raha hai. Aur shayad kaafi time se nahi hua hai. Hum cheezon ko reason out nahi karte. हमें जो दिखता दिखाया जाता है वो देखते हैं और जो हम सोचना चाहते हैं अपनी इनसिक्योरिटीज़ को छुपाने के लिए हम उन चीज़ों में चले जाते हैं राइट एंड आई वुडन्ट से जस्ट वुमेन आर सप्रेस्ड इट्स मेन टू यू नो और आज की आई थिंक टुडे इज़ द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन इज़ अ ह्यूज एग्जाम्पल ऑफ दैट कि पेट्रियार्की है हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा येस द मैन इन मैनी प्लेसेज आर द वन जिसके थ्रू पूरी फैमिली में एक सोच एक धारा चलती है बट देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन मॉडल्स एज वेल एंड दे हैव बीन लाइक इन माई लाइफ माई दादी वॉज द मेन मेट्रियार्क इन अ फैमिली एंड जो उनकी एक सेंसिबिलिटी भी थी वो पूरी फैमिली में गुजरती थी तो एक वो स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है जिससे पूरी चीज़ें फैमिली की चलती हैं और आई थिंक वहाँ बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आस पास के लोगों को कितना जागृत करते हैं कितना हमारे सबके वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं खाली एक जने की नहीं है और वो मेन एंड वुमेन दोनों के साथ हो रहा है सप्रेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स अनुप्रिया जी ऑन अ लाइटर नोट इन दोनों को कोई सप्रेस नहीं कर सकता अनुप्रिया हेलो दिस अक्षय प्रकाश जी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपको बॉबी वाज द फर्स्ट चॉइस तो आश्रम जो टाइटल है वो भी पहला ही चॉइस था या यू नो यू हैड टू गो थ्रू लॉट्स ऑफ यू नो ब्रेन नॉकिंग या फिर एक बदनाम बाद में भी एड अप किया वो हाँ मतलब वो कहानी अब इस बार तीसरे भाग में जिस तरफ मुड़ी है वो एक बदनाम आश्रम हो गई है बट आश्रम जो है वो चॉइस थी वो सजेस्टेड टाइटल थी और वो टाइटल अच्छी लगी और इस आश्रम से कोई जेनेरिक
बात ना समझें, एक खास आश्रम, एक खास बाबा, एक खास तरह की जो संस्कृति उन्होंने फैला रखी है, जिस तरह का जाल उन्होंने फैला रखा है, उसके बारे में ये कहानी है। थैंक यू वेरी मच, इट वाज सच अ प्लेजर। ओके, आई एम सॉरी, आई एम इंटरवीनिंग इन बिटवीन क्वेश्चंस फ्रॉम समबडी हु इज नॉट आस्क्ड एज येट। कैन आई आस्क? सो हरलीन, फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले दो सीजन से उन्होंने ऑलरेडी आपको एक बहुत ही यू नो दैट इज पुट यू ऑन सम प्लेस, तो इस बार लोगों की एक्सपेक्टेशंस आए हैं, तो आपने क्या होमवर्क स्पेशल किया? और प्रकाश जी, एक सवाल आपसे ये है कि जब दो सेकंड पार्ट आया तो ये पूछ रहे थे सब थर्ड पार्ट कब आएगा, इसको देखने के बाद क्या लोग पूछेंगे फोर्थ पार्ट कब आएगा? क्या प्रिपरेशन आप बताइए सर। आई थिंक यू हैव टू वॉच इट टू नो, एवरी एक्टर हैड टू डेफिनेटली लाइक मेंटेन द कैरेक्टर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लाइक वी शूटिंग आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, फिर दोबारा कैरेक्टर में घुसना, दैट इट सेल्फ इज अ प्रिपरेशन, सो या दैट इज मोस्ट रिक्वायर्ड। एंड ऑफकोर्स द कैरेक्टर दैट आई प्ले टर्न्स आउट टू बी लिटिल मोर मैच्योर एज यू सी इन दिस, सो उसके लिए सर से बहुत डांट भी पड़ी, बट आई थिंक आई हैव डन ओके। अनुप्रिया सर, हमारी तरफ देखकर ऐसी सर हमारी तरफ से बोलना, प्लीज प्लीज लेट देम आंसर, यहाँ विमेन सेंट्रिक रोल्स की बात हो रही थी, लड़कियों को बोलने तो दो। हाँ, तो आई थिंक सर हमारी तरफ देख के कहना चाहते थे कि इन लड़कियों ने कुछ प्रेपरेशन नहीं किया, ये क्या जवाब देंगी। तो हाँ, आई थिंक हम सबका ना, हम सब एक्टर्स का एक मीडियम रहा है फॉर being able to do our characters to the best of our abilities, and that's been Prakash sir. We've always looked up to him to guide us or to tell us what exactly to do and how to bring a scene to fruition, and he's been the biggest influence when it comes to our lives since we've started working in Ashram. And he was, of course, the script was great, the characters were great, but he's been the one sole reason all of us have gotten attached and being brought together. And I'm so, so, so proud to be a part of the series. And kudos to MX for being able to support such a concept. And yes, thank you to MX and sir that hum logon ko itna uske liye appreciation mila. Ab jo bhi hua, wo... Haan, wahi miss. Jo achha kiya sab humara, jo gadbad hua sab iska. Anupriya, Anupriya. ट्रेलर में हमने ईशा देओल को देखा, ईशा गुप्ता को, सॉरी ईशा गुप्ता को, गलती हो सकती है, ईशा गुप्ता के बारे में कुछ बताइए, उनके किरदार के बारे में। आपको ट्रेलर देख करके क्या समझ में आया? अच्छा, वो हमारे बाबा के अंदर का भगवान निकालने को आई है, इतना ही समझ लीजिए आप। अनुप्रिया जी, मेरा सवाल आपसे है, हमने लगातार आपको, मैम राइट यो मैम, हमने लगातार आपको देखा है मूवीज में काम करते हुए, ओटीडी में काम करते हुए। मूवीज की मैं बात करूं, वॉर में आपने देखा था, पद्मावती में देखा था, एंड टाइगर जिंदा में, बट इन सारे रोल की मैं बात करूँ, आश्रम 3 की भी मैं बात करूँ, वी हैव सीन यू डूइंग साइड रोल्स, सो व्हेन वी आर गोइंग टू सी यू डूइंग मेन रोल्स, जैसे गंगूबाई में आलिया भट्ट को मेन रोल मिला था, डू यू थिंक नेपोटिज्म हैज नेवर वर्कड इन योर फेवर? आई एम नॉट एन इंडस्ट्री किड, सो हाउ कैन इट वर्क इन माय फेवर? या मैम, दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज, अच्छा, वेदर इट हैज बीन अ हिंड्रेंस? या या, सो व्हेन वी आर गोइंग टू सी यू इन अ लीडिंग रोल? मगर मैंने कहा आश्रम में आलिया भट्ट को कास्ट किया। नहीं, मेरा सवाल सर ये था कि अनुप्रिया मैम को हम कब लीडिंग रोल में देखने, एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है। वो क्या है, वो क्या है, एक बात आप समझिए, आपका प्रश्न जो है ना, अच्छा होते हुए भी तर्क संगत नहीं है, क्योंकि वो इनके हाथ में नहीं है। नो नो, आप जब पूछेंगे एक एक्टर से कि कब तुमको देखेंगे लीड रोल में, लीड रोल वो तो नहीं तैयार करता ना, वो घर वो बना ही नहीं सकता, क्या करेगा मैम। बट
आपको काफी समय से हमने देखा है, ओटीटी में भी काफी समय से देखा है, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट दैट यू आर नॉट गेटिंग अ लीडिंग लीड रोल? बट हाउ कैन यू, मैं वही कह रहा हूं दोस्त मेरे, दर्शन ही सवाल आपसे, दर्शन अनुप्रिया जी, अनुप्रिया 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 जी, एक सवाल अनुप्रिया, शारिक, दर्शन जी, अनुप्रिया जी, शारिक, शारिक, आई थिंक वी कैन कॉल इट एन एंड. Let's Darshan ji, no, but so I would like to thank you so for much. Asking that question. Thank you so much. I would like to thank you for asking that question. Everybody to please stand up for the photo op. Guys, let them speak. Okay, one sec. What? Darshan? What? Darshan, ek sawal. Please silence. Okay, Darshan, ek sawal aapse. Okay, we have something for y'all. If y'all will Darshan stay, ji, if y'all will stay quiet, we have something for y'all. If y'all will just stay quiet for 30 seconds. If I request you all to please stay quiet for 30 seconds, it cannot be that we have Ashram and we don't have Baba Nirala with us. So I think we're lucky to have cut across all the network issues, and we will be having Bobby joining us from an Ashram. So I think it'll be a voice call. Just a sec. Please give us 30 seconds to just figure this technicality. Kiska photo? Mera? Anupriya ji, ek sawal aapse hai ki ye aap jo hai abhi tak. Haan ji, boliye, please boliye. Kahan hai aap? Ek question ma'am. Ek question ma'am. Haan. आप जो है वुमेन सेंट्रिक फिल्म कर रही हैं, अभी तक हमने आपको सीरीज भी जितनी देखी हैं, तो आप जो है एक पावरफुल आपका रोल रहता है जी, तो ये आप डेलिब्रेट अटेम्प्ट है आपका वुमेन सेंट्रिक रोल करने के, ताकि इससे जो है आपको जो है ज़्यादा लोग देख रहे हैं ओटीटी पे? आई थिंक इट्स अ वेरी इंस्टिंक्टिव यू नो डिसीजन. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं खाली वुमेन सेंट्रिक, आई मीन वुमेन सेंट्रिक बोलना ही गलत होगा. मैंने ज़्यादातर ऑनसॉम्बल स्पेसेस में काम किया है. यस, अभी एक मूवी रिलीज़ हुई थी जिसमें मैं लीड का किरदार कर रही थी, लेकिन क्योंकि हमें ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं मिली एंड हम लोग उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाए, फार्मर्स के ऊपर थी वो, ज़्यादा लोगों को देखने को नहीं मिला, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. बट एट द सेम टाइम आई थिंक आई हैव ऑलवेज बिन पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स वेयर द स्टोरीज एंड द कैरेक्टर्स स्पीक टू मी. Where I would want to play someone who's very docile, who's extremely unsure of her voice also, because as an actor I would want to play different shades. ये ऐसा नहीं है कि मैं खाली एक strong woman का अवतार ही play करना चाहूँगी. हाँ, मेरा ये point रहा है कि at the end of the story what am I trying to project? मतलब अगर वो लड़की कमज़ोर है तो भले ही उस कैरेक्टर का रिडेम्पशन ना हो, बट स्टोरी में क्या उसको सही दिखाया जा रहा है, क्या उसको उसकी अपनी आवाज़ नहीं है तो हम उसको क्या प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को, तो मुझे प्रॉब्लम होती है. बट अगर स्टोरी के द्वारा हम लोग एक सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो आज है, और उसके थ्रू हम सोल्यूशंस या चीज़ों को एक प्रोग्रेसिव तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं एट द एंड ऑफ द डे, देन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम प्लेइंग अ डोसाइल और वीक कैरेक्टर ऑल्सो. I have no such parameters to judge a script. It's only because of the makers who are involved, the actors, the script itself, and the character that I'm playing. Prakash, आप लोगों को भूख नहीं लग रही क्या? प्रकाश जी, आप सबसे मिल रहे हैं इतने दो साल बाद, तो इतनी खुशी हो रही है उनको. मैं जो सत्य है वो बयां कर रहा हूँ. Okay. We'll let you go. We're just waiting. I think there is some issue with the camera. So, yeah, so we can do some pictures till then. No? Huh? Sorry. Just a sec. One sec. Ek minute. Okay, dekho. I think unfortunately his camera is not going to be, is not, we're not able to get that bit, but he will come on audio. Yeah, hi everyone. Hi Bobby. बाबा जी, वहाँ ध्यान ठीक चल रहा है? हाँ जी, एकदम सब देख रहा हूँ, तो काम ठीक चल रहा है. So he can see us, but we हमारे can't see हमारी जो प्रार्थना थी आपकी, जरा हिसाब किताब हो जाए एमएक्स के साथ सही तरीके से, वो सब कुछ रास्ते पे है? वो पता नहीं सर, एमएक्स पर, एमएक्स के हाथ में.
there's anyone who wants to ask a question to Bobby, then this is your chance. Yes, Sohail. आप पूछिए पूछिए. Yes. How happy are you playing Baba, Bobby? Yes. Yes. Yeah. For me, it was the best thing that happened in my career right now. Thanks to Prakash. It gave me a great character to play, and I'm so glad I'm in the audience. I'm enjoying and appreciating our work so much. Everybody in our cast is coming on the job. It has been a great team effort, and the MX player has left no small door to make it happen the way they did it. And I think it's just a it's just one of those things that happened, you know, and no one knows how, but it was just one of the best things that's happened. Bobby, there was one question from Mr. Hemant in the media when he asked everybody whether you've ever had a personal experience with any Baba. Not really. I've, apart from me, huh? Apart from Prakash's Baba. No, I've not really had experience. I've had a very sheltered life, and I've been blessed with a beautiful and lovely and loving family, and didn't need to go somewhere to ask for any guidance. My parents were my guides, and I was lucky. But there are some. It's just that the show talks about people who are these bad elements in our society who take advantage of innocent people, and I think I was just way lucky that I didn't come across anyone like that. I think we won't take your time. Thank you for joining us, you know, and making this event even more successful. Thank you so much, Bobby. Thank you. We are missing you. We are missing Bobby. हमारे लिए प्रसाद लेके आइएगा, बाबा. हाँ जी, जरूर, जरूर, जरूर. हाँ. जपनाम. जपनाम, जपनाम. दर्शन. जी रेखा जी. जितना भी बॉडी ऑफ वर्क है उसमें बहुत सारा एक सोशल कनेक्ट है. NH10 होने दीजिए, मैरी कॉम होने दीजिए, कश्मीर फाइल्स होने दीजिए, और अब ये आश्रम 3, एक पहले से और तीसरे तक आपके ये सफ़र है. आप जो इतना घूमते फिरते हैं या अपने फैंस से मिलते हैं, कहीं इस आश्रम के बाद आपने ये देखा है कि बाबाओं के प्रति लोगों का मोह भंग हुआ है, एक अवेयरनेस आई है? एक्चुअली इसके बारे में प्रकाश जी ने बता ही दिया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाह रही हूँ एक्चुअली. जी देखिए, जिस तरह का प्यार हमें मिला है, हमारे शो को मिला है, वो मुझे सोशल मीडिया के थ्रू या मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ पता चलता है कि वो हमारे शो को कितना पसंद कर रहे हैं. लेकिन इतना पर्सनल मैं किसी से इस तरीके की बात नहीं कर पाया और ना ही जान पाया. बट हाँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारी ऑडियंस का कि उन्होंने आश्रम को इतना प्यार दिया कि 1.6 बिलियन लोगों ने इसे देखा और प्यार दिया और इसे मतलब सबसे बड़ा शो बना दिया इंडिया का. तो उनका शुक्रगुजार हूँ बस.